हेलो स्टूडेंट्स वेलकम टू नीट काका जी तो कैसा रहा आपका एग्ज़ाम तो आप देखें सबसे पहले आपके सामने जोलॉजी जो, जो सेक्शन है अपने वन बाय वन डिस्कस करेंगे जोलॉजी बॉटनी और पैरेलल के अंदर आपका केमिस्ट्री और फिजिक्स पूरा कंप्लीट जो है सॉल्यूशन जैसा कि हमने आपको बोला था कि पेपर के जस्ट बाद जो हम आपके सामने लाइव होंगे वन बाय वन सारे क्वेश्चंस डिस्कस करते हैं और जो पेपर मैं यहाँ पे डिस्कस करने वाला हूँ उसका कोड मैं आपको एक बार बता देता हूँ ताकि एटलीस्ट जिन स्टूडेंट्स के पास वो कोड आए वो स्टेट फोर्ड अपने क्वेश्चन जो है मैच कर सके वन बाय वन और एम टू जो पेपर है उसका पूरा कंप्लीट जोलॉजी सेक्शन में आपसे डिस्कस करने वाला हूँ वन बाय वन अपने प्रोसीड करते हैं क्वेश्चन के अंदर टाइम वेस्ट ना करते हुए नंबर ऑफ स्टूडेंट्स जो है वेट कर रहे हैं कि स्टिल कब आंसर की जो है वो रिलीज हो तो आपके सामने है और आप देखें फर्स्ट क्वेश्चन अच्छे से एनालाइज करें क्या है ये क्वेश्चन फर्स्ट क्वेश्चन बायोटेक से ये क्वेश्चन लिया गया है ट्वेल्थ एनसीईआरटी चैप्टर नंबर जो आपका इलेवन है बायोटेक एंड प्रिंसिपल एंड प्रोसेसेस उसका ये क्वेश्चन अच्छे से देखें क्या क्वेश्चन है कि एक देखिए आप स्पेसिफिक रिकॉग्नाइजेशन सिक्वेंस आइडेंटिफाई बाय द एंडो न्यूक्लिएजिस टू मेक अ कट ऑफ अ स्पेसिफिक पोजिशन विद द डी एन ए हां जी एंडो न्यूक्लियजिस जिस सिक्वेंस को पहचानते हैं उस पर बेस क्वेश्चन पूछा गया है फोर ऑप्शन आपको दिए हुए हैं डीजेरेट प्राइमर सिक्वेंस सेकंड वन ओकाजा की सीक्वेंस विच इज प्रेजेंट इन द लेगिंग स्ट्रेंड थर्ड वन इज पेलिंग्रोमिक न्यूक्लोटाइड सीक्वेंस यस दिस इज द करेक्ट वन ये पेलिंगड्रोमिक न्यूक्लियोटाइड सिक्वेंस को ही रिकोगनाइज करते हैं एंडोन्यूक्लियस जो एक पर्टिकुलर साइड पे कट लगाते हैं दैट्स वाई आंसर इज थ्री क्वेश्चन नंबर 151 अकॉर्डिंग टू एम टू कोड क्या है आंसर क्या दिया है क्वेश्चन के अंदर अ फ्रूट फ्लाई अ फ्रूट फ्लाई क्वेश्चन तो दिया है आपको चैप्टर नंबर टेन साइल साइकर एंड साइल डिविजन का बट उसको रिलेट कर दिया है डायरेक्टली किससे उसको रिलेट कर दिया है डायरेक्टली आपके <coughs> फ्रूट फ्लाई से अब फ्रूट फ्लाई हैज एट क्रोमोसोम टू एन इन ईच ड्यूरिंग द इंटरफेज ऑफ माइटोसिस इंटरफेज ऑफ माइटोसिस अब माइटोसिस के अंदर G1, G1, एस जी टू ये इंटरफेज की स्टेजेस आपको देखने को मिल रही है इफ द नंबर ऑफ द क्रोमोसोम एट जीवन स्टेज एट जीवन स्टेज एट वट वुड बी द नंबर ऑफ द क्रोमोसोम एट आफ्टर एस फेज आफ्टर एस फेज अगर आप बात करें तो डी एन ए का जो कंटेंट है वो डबल होता है नंबर ऑफ क्रोमोसोम स्टिल एट यहाँ पर है नंबर ऑफ क्रोमोसोम स्टिल एट हैं एंड नंबर ऑफ क्रोमोसोम स्टिल एट हैं कंटेंट की अगर मैं बात करता हूँ यहाँ पर अगर ट्वेंटी ग्राम है आफ्टर एस फेज कंटेंट कितना आ जाएगा फोर्टी ग्राम और यहाँ कितना आ जाएगा फोर्टी ग्राम तो आपसे पूछा हुआ है कि वट वुड बी द नंबर ऑफ द क्रोमोसोम आफ्टर एस फेज एस फेज के बाद नंबर ऑफ क्रोमोसोम कितने होंगे एट कितने होंगे एट तो अच्छे से देखें क्या हो जाएगा इसका आंसर फर्स्ट दैट इज एट नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 153 फिफ्टी थ्री अकॉर्डिंग टू एम टू कोर्ड अच्छे से देखें क्या गीवन है आपको की विच वन ऑफ द फॉलोविंग बिलोंग टू द फैमिली म्यूसिडी एनसीआर चैप्टर नंबर फर्स्ट द लिविंग वर्ल्ड चैप्टर के अंदर जो आपको टेबल दी हुई है टेबल 1.1 के अंदर पूरा कंप्लीट इसका आपको जो टेक्सोनोमिकल की डिफाइन की हुई है वहां से ये क्वेश्चन उठाया गया अच्छे से एनालाइज करें कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग बिलोंग्स टू द फैमिली मस्किडी मेनली क्या होगा आंसर इसका हाउस फ्लाई मस्का डोमेस्टिका पढ़ते हैं आप नेक्स्ट क्वेश्चन अच्छे से एनालाइज करें क्वेश्चन नंबर 154 Easiest question, digestion से लिया गया है अच्छे से देखें क्वेश्चन के अंदर ये मैं इसको count करूंगा क्या है किसके रिगार्डिंग यहां पे जो डिफाइन किया जाता है पेंक्रेटिक जूस के रिगार्डिंग इंटरसाइनल जूस के रिगार्डिंग गैस्ट्रिक जूस और काइम क्या होगा आंसर आंसर इज सेकंड स्ट्रेट फॉरवर्ड सक्कस एंटेरिकस आपको भी बताया कि गोबलेट सेल और एंजाइमेटिक एंड नॉन एंजाइमेटिक पार्ट जो आपको इंटेस्टाइन के अंदर देखने को मिलता है वो पूरा कंप्लीट आपको डिफाइन किया जाता है क्या आ जाएगा इसका आंसर सेकंड दैट इज इंटेस्टाइनल जूस नेक्स्ट क्वेश्चन अच्छे से एनालाइज करें क्वेश्चन नंबर वन चैप्टर नंबर ट्वेल्व एनसीआरटी चैप्टर नंबर ट्वेल्व आपको बताया हुआ है एलई एल कंपनी वाला पूरा कंप्लीट डिफाइन किया हुआ है कि बायोटेक एंड इट्स एप्लीकेशन के अंदर इंसुलिन कैसे बनाया जाता है देखें आप अच्छे से कि विद रिगार्ड टू इंसुलिन चूज करेक्ट ऑप्शन आपको करेक्ट ऑप्शन चूज करना है रिगार्डिंग टू द इंसुलिन फर्स्ट वन सी पेप्टाइड इज नॉट प्रेजेंट इन मेच्योर इंसुलिन यस मेच्योर इंसुलिन के अंदर सिर्फ आपको ए चेन और बी चेन देखने को मिलती है सी पेप्टाइड टोटली एबसेंट होता है दैट्स वाई ए स्टेटमेंट क्या है इसका करेक्ट है सेकंड स्टेटमेंट जो आपको दिया है इसके अंदर वो दिया है द इंसुलिन प्रोड्यूस बाय द आर डी एन ए टेक्नोलॉजी हैज सी पेप्टाइड जो आर आरडीएन टेक्नोलॉजी से जो प्रोड्यूस किया जाता तो है उसके अंदर सी पेप्टाइड प्रेजेंट होता है और बी आपस में अटैच होते हैं मेच्योर जो इंसुलिन होता है उसके अंदर सी पेप्टाइड एप्सेंट होता है नेक्स्ट वन पेप्टाइड हैज ए पेप्टाइड एंड बी पेप्टाइड ऑफ इंसुलिन आर इंटरकनेक्टेड बाय डाय ब्रिजेस यस क्योंकि इनके अंदर क्या होते हैं रेजिड्यू रेजिड्यू होते हैं वो डाइसल्फाइड बॉन्ड्स के थ्रू आपस में अटैच होते हैं तो अच्छे से देख लें क्या दिया है इसका ए स्टेटमेंट बिल्कुल करेक्ट है ए स्टेटमेंट बिल्कुल करेक्ट है तो आपके पास दो ऑप्शन आ जाते हैं ये ऑप्शन गलत हो गया और ये ऑप्शन आपका गलत हो गया आपके पास ए एंड डी ओनली ए सी एंड डी ओनली क्या आ जाएगा आंसर ए सी एंड डी आंसर इज सी नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 156 अच्छे से एनालाइज करें इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है थोड़ा सा ट्रिकी जो है क्वेश्चन इसने बनाया है अच्छे से देखें क्या है ट्वेल्थ क्वेश्चन जो क्वेश्चन नंबर 156 है इलेवंथ एनसीईआरटी बॉडी फ्लूड एंड सर्कुलेशन कहां से लिया गया बॉडी फ्लूड एंड सर्कुलेशन से यह क्वेश्चन उठाया गया अच्छे से एनालाइज करें इस क्वेश्चन को क्या गीवन है क्वेश्चन के अंदर पर्सन विद ए बी ब्लड ग्रुप सन विद ए बी ब्लड ग्रुप आर कोल्ड एज यूनिवर्सल रेसिपियंट ये यूनिवर्सल रेसिपियंट की तरह जो है कंसिडर होता है दिस इज डू टू दिस इज ड्यू टू अब ए बी है ए बी के अंदर आपको क्या मिलेगा ए और बी एंटीजन दोनों देखने को मिलेंगे ए एंटीजन एंड बी एंटीजन दोनों देखने को मिलते हैं बट इसके अंदर एंटीबॉडीज जो होती हैं दोनों एबसेंट होती है एंटीबॉडीज बोथ टाइप ऑफ एंटीबॉडीज आर एब्सेंट ए एंटी ए और एंटी बी दोनों ही एब्सेंट होते हैं इसकी प्लाज्मा में दैट्स वाई ये यूनिवर्सल रिसिपियट की तरह वर्क करता है और देखें आप एबसेंस ऑफ एंटीजन ए एंड बी नहीं दोनों प्रेजेंट होते हैं एब्सेंस ऑफ एंटीजन ए एंड बी इन प्लाज्मा प्लाज्मा में तो एंटीबॉडीज मिलती हैं एंटीजेंस आपको आरबीसी की सर्फेस पर मिलते हैं दैट्स वाई दोनों ऑप्शन इनकरेक्ट है प्रेजेंस ऑफ एंटीबॉडीज एंटी ए एंड एंटी बी इन आर बी सी एंटीबॉडीज इन आर बी सी और फोर्थ वन दिया है एबसेंस ऑफ द एंटीबॉडीज एंटी ए एंड एंटी बी इन प्लाज्मा दैट्स वाई आंसर इज फोर क्वेश्चन नंबर वन फिफ्टी सिक्स आंसर इज फोर अच्छे से देखें एनालाइज कर लें क्या होगा इसका आंसर फोर नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 157 अच्छे से देखें इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और जेनेटिक्स से थोड़ा सा इसको रिलेट किया हुआ अक्रॉस बिटवीन अ मेल एंड फीमेल अक्रॉस बिटवीन द मेल एंड फीमेल बोथ हेट्रोजाइगस फॉर सिकल सेल एनिमिया बोथ आर हेट्रोजाइगस फॉर सिगल सेल एनिमिया वट इज द परसेंटेज ऑफ द प्रोजैनी विध डिजीज और सिकल सेल एनिमिया यू नो वेरी वेल अबाउट द ऑटोसोमल रिसेसिव डिजीज है ये ऑटोसोमल रिसेसिव डिसऑर्डर है पेरेंट्स कैसे हैं उसके कैसे हैं दोनों हैट्रोजाइगस हेट्रोजाइगस कंडीशन के अंदर कैपिटल कैपिटल इज सम्मोल है और जब आप इसको इस तरीके से पंडित स्क्वायर के अंदर इसकी प्रोजैनी बनाएंगे क्या आएगा आपके पास ये हेट्रोजाइगस ये हेट्रोजाइगस और ये आपको डिजीज कंडीशन देखने को मिलेगी तो प्रॉपर पूरी कंप्लीट अगर मैं प्रोजेनी की बात करूं तो ओनली 25 फाइव परसेंट आपको ऐसे पर्सन देखने को मिलेंगे जिनके अंदर ये डिजीज कंडीशन देखने को मिलेगी दैट्स वाई आंसर इज थ्री अच्छे से एनालाइज कर लें क्या होगा इसका आंसर थ्री स्टिल देखें आप इस क्वेश्चन को नेक्स्ट वन क्वेश्चन नंबर 158 क्वेश्चन नंबर 150 के एट के अंदर अच्छे से एनालाइज करें पूछा गया है कि इनमें से कौन सा एंजाइम है जो फाइब्रीन को फाइब्रिन में बदलने के लिए उत्तरदायी होता है सुने आप विच वन ऑफ द एंजाइम इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द कन्वर्जन ऑफ फाइब्रीन इन फाइब्रिन फर्स्ट वन आपको दिया हुआ है थ्रोम्बिन फर्स्ट वन आपको दिया हुआ थ्रोम्बिन सेकंड वन रेनिन रेनिन डायरेक्टली यहाँ पे यूज होता ही नहीं है नेक्स्ट वन एपिनेफ्रिन और फर्स्ट फर्स्ट इज फोर्थ दिया आपको थ्रोम्बोकाइन थ्रोम्बोकाइनेज जो होता है वो रिस्पॉन्सिव देखो आपसे पूछा हुआ फाइबिनोजन से फाइब्रीन एन 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 एनसीआरटी के अंदर इसका कैसकेट पूरा कंप्लीट जस्ट अपोजिट दिया हुआ है अच्छे से देख लेना आपको पता होना चाहिए कि प्रो थ्रोबिन को थ्रोम्बिन में कन्वर्ट करने के लिए आता है थ्रोम्बोकाइनेज जो स्टूडेंट ने मोस्ट ऑफ स्टूडेंट इसका आंसर लगाया होगा प्रो थ्रोम्बिन को थ्रोम्बिन में कन्वर्ट करने के लिए आता है थ्रोम्बोकाइनेज बट आपसे पूछा क्या गया है फाइब्रीन ओजन से फाइब्रीन की फॉर्मेशन किससे होगी तो दैट थ्रोम्बिन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द फॉर्मेशन ऑफ फाइब्रीन फ्रॉम द फाइबिनोजन दैट्स वाई आंसर इज फर्स्ट क्या होगा इसका आंसर फर्स्ट थ्रोम्बिन अच्छे से देख लें इन द प्रेजेंस ऑफ कैल्शियम आइन नो डाउट नेक्स्ट वन नेक्स्ट वन नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 159 अच्छे से एनालाइज करें स्ट्रेट फॉरवर्ड ये क्वेश्चन आपको अच्छे से याद होना चाहिए पूछा गया है आपसे क्या एनसीआरटी चैप्टर नंबर 17 ब्रीदिंग एंड एक्सचेंज ऑफ गैसेस के अंदर जो टेबल दी हुई है आपको याद है एक्सचेंज ऑफ गैसेज आपका टॉपिक है उसके अंदर एक टेबल दिया हुआ है उस टेबल के अंदर आपको पूरा कंप्लीट डाटा बताया कि एटमोस्फेर एयर के अंदर नंबर ऑफ प्रेजेंट पार्शियल प्रेशर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड कितना है पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन कितना है वहीं से ये क्वेश्चन स्टेट फॉर स्ट्रेट क्वेश्चन है अच्छे से देखें क्या है द दार्शल प्रेशर इन एम एम एच जी ऑफ ऑक्सीजन एंड द कार्बन डाइऑक्साइड एट एल्वियोलाई दिस साइड डिफ्यूजन आर एल्वियोलाई साइड पे पूछा आपसे अच्छे से एनालाइज कर लेना पेपर के अंदर आपसे एल्वियोलर साइड पे पूछ रहा है किस पे एल्वियोलर साइड पे तो गड़बड़ मत करना एलवियोल इस साइड पे पूछा आपसे अब बाहर कितना होता है 159 पता है ना एम एम पॉइंट थ्री जो है एमएमएस के अंदर आपका पार्शियल प्रेशर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड बट जब बात की जाती है इन एलव्योलर सरफेस तो पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन इज 104 जीरो फोर एम एम एच जी एंड पार्शियल प्रेशर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इज इक्वल टू फोर्टी

पहली पहली लाइन में इसने लिख दिया क्रॉनिक ऑटो इम्यून डिसऑर्डर क्या बोला न्यूरो एंड पैरालाइजिंग ऑफ द मसल्स आर कॉल्ड समझ में आती है बात तो ऑटो इम्यून डिसऑर्डर आपकी एनसीआरटी में एक ही डिफाइन किया हुआ है क्या आएगा इसका आंसर ग्रेविस मस्कुलर डिस्ट्रोफी जेनेटिक डिसऑर्डर में है जो पहले पूछा गया है आंसर क्या आ जाएगा इसका थ्री क्लियर है नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 161 अच्छे से देखें मोस्ट इंपोर्टेंट एंड मोस्ट ट्रिकी क्वेश्चन और आधे से ज्यादा स्टूडेंट इस क्वेश्चन के अंदर जो है सो गए होंगे आई नो क्योंकि लास्ट ईयर भी सिमिलर काइंड ऑफ ट्रांसक्रिप्शन से एक ट्रिकी क्वेश्चन था कि ट्रांसक्रिप्शन जो हाइड्रोजन बॉन्ड की क्लीविंग होती है इन केस ऑफ रेप्लीकेशन हेलीकेस से होती है इन केस ऑफ ट्रांसक्रिप्शन आर एन खुद करता है सिमिलर काइंड ऑफ क्वेश्चन इसी साल भी आपके ट्रांसक्रिप्शन से सामने है अच्छे से देखें इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ट्रिकी क्वेश्चन है क्या पूछा कि ओनली विच इज द ओनली एनजाइम दैट हैज कैपेबिलिटी टू कैटालाइज इनिशिएशन इलोंगेशन एंड टर्मिनेशन तीनों काम एक साथ खुद ही कर रहा है

डिपेंडेंट किस पे होता है ये डीएनए डिपेंडेंट आरएनए एन ए पॉलीमरीज क्या आएगा इसका आंसर डीएनए डिपेंडेंट आरएनए एन ए डीएनए के स्ट्रैंड को एम्पलीफाई करेगा क्या बनाएगा ये आरएनए आंसर क्या हो जाएगा इसका सेकंड अच्छे से देख लें क्वेश्चन नंबर वन सिक्सटी वन आंसर इज सेकंड नेक्स्ट क्वेश्चन अच्छे से देखें इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फिर से आपके ट्रांसक्रिप्शन ट्रांसलेशन से जो क्वेश्चन है इस बार बहुत अच्छे पूछे गए हैं इसके अंदर मोलिकुलर बेस ऑफ इनहेरिटेंस से हर बार क्वेश्चन जो है रहते हैं आपको बताया भी गया था कि मोलिकुलर बेस ऑफ इनहेरिटेंस जेनेटिक्स और आपका इवोल्यूशन इवन इवोल्यूशन से भी स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन आपसे पूछे गए हैं देखें आप क्या है विच वन ऑफ द फॉलोइंग आर इज नॉट रिक्वायर्ड आर इज नॉट रिक्वायर्ड फॉर द सिंथेसिस ऑफ प्रोटीन प्रोटीन की सिंथेसिस के लिए आपको एम चाहिए क्योंकि एम आर एन क्या प्रेजेंट होते हैं कोडोन प्रेजेंट होते हैं फर्स्ट वन सेकंड वन टी आर एन ए क्योंकि ट्रांसफर वो पूरा कंप्लीट एम एसिड को लेकर आएगा और आर आर एन ए से आपका राइबोसोम बना होता है तो अच्छे से देख लें रिमेनिंग क्या रहता है आपके पास एस आई आर एन ए ये शॉर्ट न्यूक्लियर आर एन एसे आर एन ए इंटरफेरेंस के अंदर पड़ते हैं वैसे वहां पर माइक्रो आर एन ए होते हैं ये शॉर्ट न्यूक्लियर आर एन ए आपको देखने को मिलते हैं साइलेंसिंग आर एन हैं माइक्रो आर की तरह और इनको बोलते हैं ऐसा आर वो डायरेक्टली कहीं पर भी आपको सिंथेसिस ऑफ प्रोटीन के अंदर हेल्प नहीं करते दैट्स वाई आंसर इज फोर जी नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर क्वेश्चन नंबर 163 जैसा कि आप सभी को बताया गया कि हर साल कॉन्ट्रासेप्टिव से क्वेश्चन आता है और इस साल भी कॉन्ट्रासेप्टिव से दो क्वेश्चन स्ट्रेट फॉरवर्ड है एक सिंगल टॉपिक से दो क्वेश्चन है अच्छे से देखें क्या पूछा है ट्वेल्थ एनसीआर चैप्टर नंबर फोर रिप्रोडक्टिव हेल्थ विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ हॉर्मोन रिलीजिंग आई हॉर्मोन रिलीजिंग आयोडीज के अंदर क्या क्या आता है अब आपको पता है कि नॉन मेडिकेटेड की अगर मैं बात करता हूं तो लिपेस लूप हार्मोन रिलीजिंग की अगर बात की जाए तो आपको एल 20 ट्वेंटी एन प्रोजेस्ट स्टार्ट और कॉपर रिलीजिंग की बात की जाए तो कॉपर टी कॉपर सेवन एन मल्टीलोड थ्री सेवेंटी फाइव दैट्स वाई ये क्या है कॉपर रिलीजिंग कॉपर रिलीजिंग कॉपर रिलीजिंग आंसर इज टू स्टेट फॉरवर्ड एनसीआरटी रिपोर्डक्टिव हेल्थ ट्वेल्थ एनसीईआरटी चैप्टर नंबर के अंदर फोर्थ नंबर जो आपको, method, sorry, जो आपको किया हुआ है, वहां पर आपको लिखा हुआ मिल जाएगा ये फॉरवर्ड क्विक तो आई थिंक ये आपको समझ आएगा नेक्स्ट वन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन अच्छा क्वेश्चन है ट्रिकी क्वेश्चन है थोड़ा सा पूछा गया है कि इफ एडिन जानते हो

अच्छे से एनालाइज करें क्वेश्चन नंबर 165 क्वेश्चन नंबर 165 देखें जोलॉजी पोर्शन पूरा कंप्लीट आपसे डिस्कस किया जा रहा है अभी स्टिल कुछ टाइम बाद जो है आपका बॉटनी और स्टिल पैरल के अंदर आपका केमिस्ट्री और फिजिक्स भी साथ के साथ चला रहे, चलता रहेगा साथ के साथ आप बने रहें प्रॉपर पूरा कंप्लीट आपको पेपर का सॉल्यूशन मिल रहा है वन बाय वन अपने क्वेश्चन एनालाइज करते रहें देखते रहें और देखें नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है मैच द कॉलम मैश द कॉलम के बारे में आपको बता देता हूं लास्ट ईयर आपके एनसीईआरटी से पूरे कंप्लीट 16 मैच द कॉलम थे आपके बायोलॉजी के पेपर के अंदर और इस साल भी उन्होंने कॉन्टीन्यूशन में रखा है 17 मैच द कॉलम आपके पूरे पेपर के अंदर आए आप जाकर के देख लें प्रिडिक्ट करें अच्छे से क्या है एस्पर जीलस नाइगर पूछा हुआ है स्टेट फॉरवर्ड मैच द कॉलम चैप्टर नंबर टेन माइक्रोब इन ह्यूमन वेलफेयर स्ट्रेटेजी फॉर एनहेंसमेंट ऑफ फूड प्रोडक्शन आपकी यूनिट नंबर जो आपका थ्री है ट्वेल्थ एनसीआर यूनिट नंबर थ्री चैप्टर नंबर थ्री माइक्रोब इन ह्यूमन वेलफेयर माइक्रोब इन ह्यूमन वेलफेयर का जो पेज नंबर वन टू थ्री थर्ड नंबर पेज पे जो पैराग्राफ है उसमें सेकंड पैराग्राफ के अंदर पूरे कंप्लीट आपको लिखे हुए मिल जाएंगे एस्परजिलस नाइगर एसिडोबेटो एसिटाइक्ट्रीडियमिकम और लेक्टोबेसिलस और अच्छे से एनालाइज करें लेक्टोबेसिलस आपको पता है लेक्टिक एसिड प्रोड्यूस करेगा तो डी का सेकंड डी का सेकंड एक ही ऑप्शन आपके पास है जैसा लास्ट ईयर एनटी ने किया था वैसा ही इस साल किया है कि आपको स्ट्रेट फॉरवर्ड कोई एक सिंगल मैच करें आपको पूरा आंसर मिल जाएगा क्या है ए का थर्ड सिट्रिक एसिड एसपल जीलस नाइकर एसिटो बैक्टर एसिड आई फर्स एसिटिक एसिड क्लोस्टिडियम ब्यूटाइल ब्यूटारिक एसिड क्लियर है क्या होगा इसका आंसर क्वेश्चन नंबर 165 आंसर इज फर्स्ट नेक्स्ट क्वेश्चन अच्छे से देखें क्या है क्वेश्चन अच्छा क्वेश्चन है एनालाइज करें मेटाजेनेसिस एनिमल किंगडम का क्वेश्चन है और बेस्ट क्वेश्चन आया है इस बार एनिमल किंगडम से मैं ये कहना चाहूंगा क्योंकि हर बार जब भी एनिमल किंगडम से क्वेश्चन आता है तो एग्जाम्पल बेस्ड जो है स्टडी की जाती है और स्टूडेंट परेशान रहता है कि इतने एग्जाम्पल्स दिए हुए एनिमल किंगडम के अंदर हमें याद नहीं होते हैं बहुत अच्छा क्वेश्चन अब की बात डिजाइन हुआ है देखें आप अच्छे से क्या है कि रीड ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट फर्स्ट वन मेटाजेनेसिस इज ऑब्जर्व इन हेलमेंथीज नो मेटाजेनेसिस इज ऑब्जर्व इन सीलेंट्रेट्स पॉलिप मेड्यूसा में मेड्यूसा पॉलिप में कन्वर्ट होता है सेकेंड वन Are yes. Yes. होते हैं। नेक्स्ट वन कॉम प्लेट्स आर प्रेजेंट इन द टीनोफोर्स हेल्प इन द डाइजेशन नो डाइजेशन में हेल्प नहीं करती हैं किसमें हेल्प करती हैं हां जी बताए लोकोमोशन अच्छे से देख लें कॉम जो इसके अंदर प्रेजेंट होती है नेक्स्ट वन वोटर वेस्कुलर सिस्टम आर द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ इकाइनोडम आपको अच्छे से पता होना चाहिए पूछा क्या है आपसे द करेक्ट आंसर द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 166 अच्छे से एनालाइज करें आंसर क्या होगा इसका फर्स्ट ऑप्शन ए बिल्कुल गलत है तो आप यहां पे देखें जिस जिस ऑप्शन में ए है वो ऑप्शन तो सीधे ही कट हो गए आपके कट हुए कि नहीं हुए अब आप, आपके पास क्या रह गया है सी और डी दिख रहा है आपको और यहां पर डी इसका ऑप्शन बिल्कुल गलत आंसर क्या आ जाएगा बी सी एन ई बी बिल्कुल सही है सी बिल्कुल सही है और ई e इसका बिल्कुल सही है अच्छे से एनालाइज कर लें क्वेश्चन 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 नंबर आंसर इज नेक्स्ट इंपॉर्टेंट और स्टूडेंट इस क्वेश्चन के अंदर फंसता है जनरली क्या दिया है क्वेश्चन देखें रिसेप्टर ऑफ स्पम बाइंडिंग इन द मैमल्स आर प्रेजेंट ऑन हां जी स्पम बाइंडिंग रिसेप्टर्स कहां प्रेजेंट होते हैं मेनली ओवम जो होता है ओवम की अगर मैं बात करता हूं उसके अंदर उसके चारों तरफ आपको प्री वेटेलाइन स्पेस और जोना मैं उसको थोड़ा सा हार्ड बना देता हूं इधर देखें आप यहां पे यह पूरा कंप्लीट आपको जोना पेलोसिडा देखने को मिलता है सबसे पहली बात तो आपको यह पता होना चाहिए कि जोना पेलोसिडा इज नॉट अ सेलुलर लेयर जोना पेलोसिडा इज अ प्रोटीनिशियस लेयर इन विच देयर इज थ्री डिफरेंट डिफरेंट काइंड ऑफ प्रोटीन आर प्रेजेंट जेप वन जेप टू एंड जेप थ्री जोना होती हैं ये तीनों और स्पीसी स्पेसिफिकेशन इन्हीं से ही होता है जो के मेम्ब्रेन आउटर होती है वो यहीं से आकर के अटैच होती है इसके ऊपर और फॉरवर्ड जाकर के क्या करती है स्पीसी स्पेसिफिकेशन करती है करेक्ट आंसर इसका यही है अच्छे से एनालाइज कर लें क्या है जोना पैलिशिडा क्विक नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर वन अच्छे से एनालाइज करें फिर से मैच कॉलम और इस बार को ये मैच जो कॉलम आया है आपका एनसीआर वही मैं बोल रहा हूं अब की बार एनिमल किंगडम से बहुत अच्छे क्वेश्चन बनाए हैं और उसमें सेकंड बेस्ट क्वेश्चन एनिमल किंगडम का आप देखें हर साल एनिमल किंगडम से सिर्फ एक क्वेश्चन आता है इस साल ये दूसरा क्वेश्चन आपको देखने को मिल रहा है और इवन कुछ चैप्टर तो इस साल ऐसे हैं जो टच भी नहीं किए गए हैं काफी सारे चैप्टर आपको देखने को मिल जाएंगे जो टच भी नहीं किए हैं इधर देखें आप

यहां पे आप इसका कॉम्प्लेट का सेकंड आ जाएगा तो आंसर क्या हो जाएगा इसका थर्ड तो क्वेश्चन नंबर 168 आंसर इज आप अच्छे से मैच करते रहें क्वेश्चन नंबर 169 आपके सामने अच्छे से एनालाइज करें इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और आधे से ज्यादा स्टूडेंट को लग रहा होगा कि ये क्वेश्चन एन से बाहर है एनसीआरटी से बाहर नहीं है बेटा देखें आप अच्छे से एंडोक्राइन ग्लैंड में है सेल्स एनसीआर चैप्टर नंबर ट्वेंटी टू इलेव चैप्टर नंबर ट्वेंटी टू बैक साइड से पेज नंबर टू और सबसे ऊपर जो लाइन लिखी हुई है एक बार जाकर के देखना आप क्या लिखा हुआ है जक्साग्लोमेलर एपरेटस इट थ्रो प्रोसेस में हेल्प करता है सेल्स जो होती है एपरेटस नहीं एपरेटस फॉर द मेंटेनिंग ऑफ द जी एफ आर जक्सा ग्लोमेलर सेल्स एक्स्ट्रा हार्मोन सिक्रेट करती है दैट इज इथ्रोपोइटिन एंड बिहेव एज एन एंडोक्राइनल सेल तो वो डिफाइन कहां किया चैप्टर नंबर ट्वेंटी टू के अंदर डिफाइन किया दिया चैप्टर नंबर ट्वेंटी टू बैक साइड से सेकंड पेज ऊपर से फर्स्ट फर्स्ट लाइन जाकर के आप देखें आपको लिखा हुआ मिल जाएगा क्या है कि इथ्रोपोइटिन हार्मोन विच स्टिमुलेट द आरबीसी फॉर्मेशन एंड प्रोड्यूस बाय अल्फा सेल्स ऑफ एंक्रियाज द सेल्स ऑफ रोस्ट्रोल एडिनो हाइपोफाइसिस द सेल्स ऑफ बोन मैरो जक्स्ट्रा मेडुलर सेल्स प्रेजेंट इन किडनी यस दिस इज द करेक्ट और एनसीआरटी के अंदर गिवन है ये अच्छे से देख लेना ट्वेंटी नंबर चैप्टर पे मिल जाएगा आपको ये नेक्स्ट वन क्वेश्चन नंबर 170 अच्छे से एनालाइज करें क्वेश्चन नंबर 170 क्या दिया है क्वेश्चन नंबर 170 के अंदर वेनेरियल डिजीजेस ट्वेल्थ एनसीआर पहले भी मैंने बताया कि हर साल यहां से क्वेश्चन आता ही आता है सेक्सुअली ट्रांसमिटेड जो डिजीजेस होती हैं उनको आप अच्छे से एनालाइज कर लें उन सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीजे से ही दिया हुआ एक क्वेश्चन है और क्या पूछा है इस क्वेश्चन के अंदर आपसे वेनेरियल डिजीज कैन स्प्रेड थ्रू किससे जो है स्प्रेड हो सकती है फर्स्ट वन यूजिंग स्टेरायल नीडल्स इससे स्प्रेड नहीं होगी नेक्स्ट वन ट्रांसफ्यूजन ऑफ द ब्लड फ्रॉम द इन पर्सन यस इजिल स्प्रेड हो सकता है नेक्स्ट वन इन्फेक्टेड मदर टू फिटर्स यस इन्फेक्टेड मदर टू फिटर्स इजिली स्प्रेड हो सकता है वाया किसिंग नो वाया इनहेरिटेंस नो मेनली क्या है आपको पता होना चाहिए इसके अंदर uh, फर्स्ट फर्स्ट ऑप्शन आपको दिया हुआ है इसके अंदर ट्रांसफ्यूजन यस इजीली हो सकता है सेकंड वन इन्फेक्टेड मदर टू फीटस यस इजीली हो सकता है अब प्रॉब्लम ये है कि इसके अंदर एक ऑप्शन थोड़ा सा जो कॉन्ट्रोवर्शियल आपको दिया हुआ, वो दिया हो इनहेरिटेंस क्या दिया हुआ तो है इनहेरिटेंस तो जितने भी सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज हैं वो डायरेक्टली डायरेक्टली कभी भी जीनोम में आप चाहे कुछ भी जो है देख लें अगर मैं बात करता हूं एच आई वी क्या उसके अंदर इनहेरिटेंस मिलती है क्या नहीं वो इन्फेक्शन की वजह से है जीनोम लेवल तक आपको कोई चेंजेस देखने को नहीं मिलते है. और सेकंड हेपेटाइटिस बी इसके अंदर एक एग्जांपल दिया जीनोम लेवल तक आपको कोई प्रॉब्लम नहीं देखने को मिलेगी वो होता क्या है पैथोजन से रहता है दैट्स व्हाई इसको मैं क्या कर रहा हूं कट कर रहा हूं आप अच्छे से देख लें फर्स्ट एंड सेकंड जो एनसीआरटी के अंदर स्ट्रेट फॉरवर्ड आपको दिए हुए हैं आंसर क्या हो जाएगा इसका सी ये क्वेश्चन मोस्ट ऑफ स्टूडेंट को थोड़ा सा कंट्रोवर्शियल लग रहा होगा बट स्टिल इसका आंसर क्या है सी नेक्स्ट वन अच्छे से एनालाइज करें क्वेश्चन नंबर 171 क्वेश्चन नंबर वन सेवेंटी वन और जो स्टूडेंट बोलते हैं कि सर कॉकरोच अर्थवम फ्रॉग से क्वेश्चन नहीं आते हैं देख लीजिए आप जो बोलते हैं कि कॉकरोच अर्थवम एंड फ्रॉग से क्वेश्चन नहीं आते हैं देख लीजिए आप ये आपके सामने कॉकरोच से क्वेश्चन अच्छे से सॉल्व करें इसको देखें आप वेटामिनट क्विक नेक्स्ट वन अच्छे से एनालाइज करें विच वन ऑफ द फॉलोइंग कैरेक्टरिस्टिक इन करेक्ट रिस्पेक्ट ऑफ कॉकरोच कॉकरोच के रिस्पेक्ट में इनमें से कौन सा स्टेटमेंट गलत है फर्स्ट वन अ रिंग ऑफ गैस्ट्रिक सिकी रिंग अ रिंग टिब्यूल्स होती हैं टिब्यूल्स लाइक स्ट्रक्चर आपको देखने को मिलती है गैस्ट्रिक सिकी इज प्रेजेंट एट द जंक्शन ऑफ मिड गट एंड हाइंड गट नहीं फोर गट एंड गट आपको अगर पता हो जो अपने गैस्ट्रिक सिक्की की बात करते हैं तो गिजर्ट, गिजर्ट के बाद में यहां पर आपको क्या देखने को मिलते हैं गैस्ट्रिक सिक देखने को मिलते हैं अगर आपने ढंग से इसके स्ट्रक्चर को एनालाइज किया हो ऐसा मिड गट और हाइंड गट के अटैचमेंट पे तो वो क्या मिलते हैं हिपेटिक सिक्की मिलते हैं यहां पे क्या लिखा हुआ है गैस्ट्रिक सिकी ध्यान से देख लेना पेपर के अंदर क्या लिखा है गैस्ट्रिक सिकी सिकी सिक्स टू एट होते हैं जो गैस्ट्रिक जूस को बनाते हैं अच्छे से देखें फर्स्ट स्टेटमेंट क्या है इसका इनकरेक्ट आपके सामने आ गया है बाकी रिमेनिंग स्टेटमेंट पढ़ लेते हैं अपने देखें आप कि लाइज द कैविटी बाय द माउथ पार्ट यस जो ह्यूमन टंग्स के जो है तरह कंसिडर होती है इन फीमेल सेवन नाइन स्टर्ना टूगेदर फॉर्म अटल पॉच करेक्ट नेक्स्ट वन टेंथ एबडोम सेगमेंट इन बोथ सेक्सेस बीयर्स द अ पेयर ऑफ एनल सरसाई और हर बार बोलता हूं मैं आपको कि एनल सरसाई और एनल स्टाइल का स्टेटमेंट या स्ट्रेट फॉरवर्ड यहां से क्वेश्चन आ सकता है आ सकता है आ गया समझ में आया देखें आप नेक्स्ट वन क्वेश्चन नंबर 172 अगेन मैच द कॉलम मैंने आपको बोला कि 17 मैच द कॉलम है और आपका थर्ड क्वेश्चन एनिमल किंगडम से आपके सामने आने जा रहे हैं एग्जांपल बेस्ड कॉमन नेम्स इनको मैच करना है अच्छे से देखें क्या है ये फर्स्ट वन पूछा हुआ है फाइसिलिया फाइसिलिया क्या होता है सिलेंट्रेट का एग्जाम्पल जिसको क्या बोला जाता है पुर्तगाली युद्ध मानव नेक्स्ट वन नेक्स्ट वन लिमुलस आर्थ्रोपोड का मेंबर है ये लिविंग फोसेल की तरह कंसीडर होता है थर्ड वन एनसाइक्लोस्टोमा मेंबर ऑफ एसके हेलमेंथीज दैट इज एंड पिंक टाडा मेंबर ऑफ मोलस्का पर्ल अलस्टर सो so आंसर क्या हो जाएगा ए का सेकंड ए का सेकंड आपके पास दो ऑप्शन में है ऑप्शन नंबर टू एंड ऑप्शन नंबर फोर आप कट करें नेक्स्ट वन लिमुलस बी का थर्ड बी का थर्ड आपको कहां देखने को मिल रहा है ए का सॉरी बी का लिमुलस इज बी के अंदर आपको क्या मैच करना है थर्ड तो ए के अंदर सेकंड ए में सेकंड बी का थर्ड बी का थर्ड दोनों में थर्ड दिए हुए हैं थर्ड नंबर मैच करें एन साइक्लोस्टोमा एन साइक्लोस्टोमा हु फोर सो सी इज फोर आंसर इज थ्री अच्छे से देख लें क्या होगा इस क्वेश्चन का आंसर थ्री बेस्ट है और आप अच्छे से देखें एनिमल किंगडम जिस चैप्टर को बहुत बड़ा चैप्टर जिस चैप्टर को साइड में छोड़ दिया जाता था हर बार एक या दो क्वेश्चन अभी तक तीन क्वेश्चन आपके सामने आ चुके हैं इस चैप्टर से बहुत अच्छा नेक्स्ट वन अच्छे से एनालाइज करें क्या गिवन है विच वन ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनिज्म एंड न्यूमेटिक आ गया क्वेश्चन आपको पहले भी बताया हुआ है कि कॉमन नेम याद रखने से ज्यादा बेटर है पहले आप उनके साइंटिफिक नेम याद रखें इनमें से सबसे पहले तो देखने में पहचानने में आपको पता होना चाहिए कि कौन कौन कहां से है देखें आप अच्छे से क्या बोला है विच वन ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनिज्म बियर्स होलो एंड न्यूमेटिक लॉन्ग बोन्स न्यूमेटिक लॉन्ग बोन्स किन में मिलेगी बर्ड्स के अंदर उनको फ्लाई करने में वो हेल्प करती है होलो बोन्स होनी चाहिए तो इनमें सबसे पहले आपको अगर साइंटिफिक नेम ही नहीं पता है कैसे करेंगे क्वेश्चन सोल्व आप ये क्या है क्या है क्या है जानते हो रेप्टाइल सेकेंड वन मैक्रोपसू क्या, है? के आते हैं. क्या है? पढ़ा है आपने क्या है ये प्रोटोथीरियंस एगलिंग मेमल है सेकंड नंबर क्या है आपको क्या देखने को मिल रहा है जो प्री मेच्योर बेबी को बर्थ करते हैं वो मैमल जो मैटाथीरियंस के अंदर आते हैं ये किसका एग्जाम्पल है <coughs> पढ़ते हो? वो कभी सुना आपने सुने रेप्टल्स का और फर्स्ट वन फर्स्ट वन एंड ओनली अगर आपको देखो एलिमिनेशन मैथड अगर आपको पता है तो आप तीनों कट कर देंगे ईजीली क्योंकि आपको ये याद नहीं रहेगा नियोफ्रन जो है वो आपको याद रहने वाला नहीं है बट ये तो तीनों याद रह सकते हैं इजिली तो पहले इन तीनों को कट करें और फिर फर्दर अपना आंसर लगाए आंसर इज फर्स्ट थर्ड क्वेश्चन आप देख लें फिर से आपका क्वेश्चन कहां से है एनिमल किंगडम से नेक्स्ट वन अच्छे से एनालाइज करें इंपॉर्टेंट क्वेश्चन द सेंट्यूल अंडरगोज डुप्लीकेशन ड्यूरिंग माइटोसिस के इंटरफेस uh, स्टेज का जो सेकेंड क्वेश्चन इलेवेंथ चैप्टर नंबर टेन सेल साइकिल एंड सेल डिवीजन सेकंड पेज सबसे लास्ट जो पैराग्राफ आपको दिया हुआ है वहां पे जस्ट उसके ऊपर की लाइन में जाकर के देखें लिखा हुआ मिल जाएगा आपको कि एट द टाइम ऑफ डीएनए एप्लीकेशन डीएनए एन टेक्स प्लेस इन द न्यूक्लियस मतलब इन द न्यूक्लियर साइड एंड द सेंट्रियल डुप्लीकेशन टेक्स प्लेस इन द साइटोप्लाजम किस फेज में होता है ये एस फेज के अंदर होता है तो सेंट्रियल डुप्लीकेशन आपसे पूछा है आंसर क्या आ जाएगा एस फेज फर्स्ट नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 175 अच्छे से एनालाइज करें क्या दिया है क्वेश्चन नंबर 175 सेवेंटी फाइव का आंसर देखें ट्रिकी क्वेश्चन है और अकॉर्डिंग टू मी एंड अकॉर्डिंग टू दिस क्वेश्चन आंसर इज देखें आप अच्छे से क्या है

कि हर एक लाइन जो है आपको कुछ बता करके जाएगी ये पेपर आप अपने साथ में रखना और बायोलॉजी की जो हमारी एनसीईआरटी निचोड़ है उसको आप साथ में रखना और बायोलॉजी का क्वेश्चन बैंक इवन मैं बोल देता हूं वो भी आप साथ में रख लीजिएगा और वन बाय वन सारे क्वेश्चंस आप मैच कर लीजिए आपको पता चल जाएगा कुछ नहीं इधर उधर कहीं नहीं भटकना है समझ में आ रही है बात ये हम आपको पहले से बोलते आ रहे हैं और अब फिर से बोल रहे हैं अगर आपको नीट क्रैक करना है तरीके से करना है सिर्फ आप अपने रिसोर्सेज जो हैं जितने भी हैं उनको फिक्स कर लें और वो होने चाहिए सारे के सारे आपकी निचोड़ चाहे वो बायोलॉजी की हो चाहे वो केमिस्ट्री की हो चाहे वो फिजिक्स की हो अभी आपको पता चल जाएगा केमिस्ट्री और फिजिक्स का भी स्टिल नेक्स्ट क्वेश्चन पर मैं प्रोसीड करूंगा आप लोगों का टाइम ना वेस्ट करते हुए क्योंकि आप सभी को भी लग रहा होगा कि जल्दी से जल्दी हमें आंसर्स जो हैं वो मिलें क्या है ये क्वेश्चन देखें इसे ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ जीन एम्प्लीफिकेशन यूजिंग पीसीआर यूजिंग पीसीआर इफ द हाई टेम्परेचर इज नॉट मेंटेन आपने हाई टेम्परेचर जो है वो मेंटेन नहीं किया है इन द बिगिनिंग आपने हाई टेम्परेचर आपको पता है 92 डिग्री स्टार्टिंग के अंदर कितना 92 से 94 डिग्री सेंटीग्रेड जो है अपने इसमें मेंटेन रखते हैं 92 52 फिर 72 54 होता है 54 52 से 54 फिर 74 72 से 74 तो आप अच्छे से देखें इज मेंटेन इन द बिगनिंग देन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेप ऑफ पीसीआर विल बी अफेक्टेड फर्स्ट अगर आपने टेम्परेचर ही मेंटेन नहीं किया तो डी सबसे पहले अफेक्टेड होगा समझ में आ रही है बात आपने टेम्परेचर ही मेंटेन नहीं किया तो डी नेचुरेशन होगा ही नहीं अगर वो डी नेचुरेशन नहीं होगा तो नेक्स्ट स्टेप आगे प्रोसीड ही नहीं होंगे तो उससे पहली बात कि इन द बिगिनिंग आपने टेम्परेचर मेंटेन नहीं किया तो सबसे पहले क्या खराब होगा डी नेचुरेशन दोनों स्टैंड एक दूसरे से अलग हो ही नहीं पाएंगे तो आपका पी वहीं रुक जाएगा दैट्स वाई आंसर इज थ्री और नेक्स्ट एन वही फिर फर्दर क्वेश्चन आपका स्ट्रेटेजी एनहेंसमेंट से आपको मैं बता देता हूँ बोटनी और ज्योलॉजी दो के अंदर सेगमेंट तो बना दिए हैं पर चैप्टर्स के जो क्वेश्चंस हैं वो कभी आ, ये देखो आप क्वेश्चन आपके सामने है ये जोलॉजी के अंदर जो है डिस्कस किया गया है देखें आप अच्छे से स्ट्रेटेजी एनहेंसमेंट फॉर फूड प्रोडक्शन से क्वेश्चन लिया गया है विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ऑब्जेक्टिव ऑफ बायो फोर्टिफिकेशन इन क्रोप्स इन क्रोप्स समझ में आती है बात तो नो डाउट दो सेगमेंट बना दिए उठा करके बट क्वेश्चन जो है वो रेंडम इधर इधर जो है घूम रहे हैं बॉटनी में स्पेसिफिक बॉटनी बेस्ड क्वेश्चन है बट जोलॉजी के अंदर कुछ क्वेश्चन आपको इस जगह देखने को मिल रहे हैं जो बॉटनी बेस्ड है तो आप अच्छे से देख लें क्या है कि इंप्रूवमेंट ऑफ प्रोटीन कंटेंट यस इंप्रूवमेंट ऑफ रेजिस्टेंस ऑफ डिजीज इंप्रूव विटामिन कंटेंट इंप्रूव एंड मिनरल कंटेंट यस कभी भी रेजिस्टेंट ऑफ डिजीज के लिए बायोफोर्टिफिकेशन वर्क नहीं करता दैट्स वाई आंसर इज क्या आ जाएगा इसका आंसर 2 अच्छे से एनालाइज कर लें क्वेश्चन नंबर 176 आंसर इज 2 नेक्स्ट वन अच्छे से एनालाइज करें क्वेश्चन नंबर 170 7 सिंपल सा क्वेश्चन है डॉप्सन यूनिट किसके लिए यूज की जाती है किस किसकी मेजरमेंट के लिए डॉप्सन यूनिट यूज की जाती है डॉप्सन यूनिट आर यूज्ड टू मेजर थिकनेस ऑफ ओजोन लेयर ओजोन लेयर की थिकनेस किससे डोपसन यूनिट के अंदर मापी जाती है सीधी सी बात है <coughs> क्लियर है नेक्स्ट वन अच्छा क्वेश्चन और डिफाइन किया जाता है स्टार्टिंग के अंदर स्विंटर ऑफ ऑडी इज प्रेजेंट स्विंटर ऑफ स्विंटर ऑफ ऑडी इज प्रेजेंटेड कहां प्रेजेंट होती है स्विंटर ऑफ ऑडी इलियोसिकल जंक्शन पे जंक्शन ऑफ द हिपेटो पेंक्रेटिक ड्यूडेनमेस्टो एजल जंशन पे जंक्शन ऑफ जेजुनम एंड ड्यूडेनियम अच्छे से देख ले इलियोसिकल जो वॉल प्रेजेंट होता है वो कहां पर होता है सॉरी आपका जो स्पिटर ऑफ ऑर्डी जो होती है वो कहाँ प्रेजेंट होती है जहां पर आपका हिपेटो पेंक्रेटिक एंट्री लेता है ड्यूडेनम के अंदर स्पिटर ऑफ बॉर्डन एंड स्पिटर ऑफ ऑडी स्प्रिटर ऑफ ऑडी स्पेसिफिकली इसके लिए होती है और कॉमन बाइल डक के लिए स्प्रिटर ऑफ बॉर्डन होती है दैट्स वाई आंसर इज सेकंड

हाँ जी पूछा हुआ है आपसे कि सिलेक्ट द फेवरेबल कंडीशन रिक्वायर्ड फॉर द फॉर्मेशन ऑफ द ऑक्सीमोग्लोबिन एट द ओव्यूलाई एलव्यूलाई एलव्यूलाई के अंदर ऑक्सीहीमोग्लोबिन बनाने के लिए क्या चाहिए सीधी सी बात है साइड में अपने पैरामीटर लिखो उसको क्या देखना है पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन ज्यादा होना चाहिए पार्शियल प्रेशर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड कम होना चाहिए H प्लस आइन की कंसेंट्रेशन कम होनी चाहिए मीन्स पीएच क्या होनी चाहिए इन कंपेरिटिवली ज्यादा

बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन और एनसीईआरटी ट्वेल्थ इलेवंथ एनसीआर टी चैप्टर नंबर सेवेंटीन ब्रीदिंग ब्रीदिंग एंड एक्सचेंज ऑफ गैसेस से क्वेश्चन लिया गया डाइजेशन एब्जॉर्प्शन बॉडी फ्लुइड्स एंड सर्कुलेशन से स्टिल सारे क्वेश्चन अभी आ चुके हैं नेक्स्ट अपने प्रोसीड करते हैं अगले क्वेश्चन के अंदर क्वेश्चन नंबर वन एटी और आपको बता देता हूं यह क्वेश्चन जो आपको आपके पूरे कंप्लीट 360 सिक्सटी थ्री सिक्सटी सीरीज में भी डिफाइन किया गया था और हर बार आपको बताया जाता है कि नीट पॉइंट ऑफ व्यू से आपकी इलेवंथ चैप्टर नंबर नाइन की बायोमोलिक्यूल की जो टेबल है टेबल नंबर नाइन और नाइन हर साल पिछले दस सालों से नीट के अंदर अल्टरनेटिव ईयर्स के अंदर नाइन पॉइंट थ्री से क्वेश्चन आ रहे हैं और इस साल सबसे बढ़िया आप सुने इस साल आपके पेपर के अंदर दो क्वेश्चन है 9.3 टेबल से दो क्वेश्चन है 9.3 टेबल से जिसमें पूरा कंप्लीट सेकेंडरी मेटाबोलाइट को डिफाइन किया हुआ है एक क्वेश्चन ये रहा और एक क्वेश्चन और है सेम टॉपिक से सेम जो है जिसमें आपको डिफाइन किया हुआ है मैच करना है उसके अंदर आपको कि कौन सा इनकरेक्ट है विन बिलिस्टिन विन क्लास और कॉनकोलेवलिन और वो पूरा कंप्लीट डिफाइन किया हुआ है यहां पर भी आप देखें क्या है इनकरेक्ट पेयर आपसे पूछा है एल्केलोइड कोडिन यस बिल्कुल सही है टॉक्सिन एब्रिन और रिसिन दोनों टॉक्सिन होते हैं रिसिन देखो ये लिखा हुआ ड्रग के अंदर

गड़बड़ मत कीजिएगा अच्छे से देख लें इसको क्वेश्चन नंबर 181, अच्छे से एनालाइज करें क्या दिया है स्मूथ मसल्स की नेचर को लेकर के क्वेश्चन है अब चाहे आप इसको चैप्टर नंबर सेवन आपका स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन इन एनिमल्स में काउंट करके चलें, या फिर आप इसको अपने चैप्टर नंबर ट्वेंटी लोकोमोशन एंड मूवमेंट में काउंट करके चलें उसके भी सेकंड पेज पे जो आपको वन टू थ्री थर्ड पैराग्राफ दिया हुआ है और इलेवंथ एनसीआर के अंदर सेवन नंबर चैप्टर के अंदर जहां आपको मस्कुलर टिश्यू डिफाइन किया हुआ है उस मस्कुलर टिश्यू के अंदर आप जाकर के देखें वहां लिखा हुआ मिल जाएगा रिगार्डिंग टू द स्मूथ मसल और बहुत अच्छे से इसका आंसर प्रिडिक्ट कर सकते हैं बहुत ईजिली क्यों इसने लिख ही ऐसा दिया है इसके अंदर देखें आप ज मसल्स हैव नो स्ट्राइशन यस स्मूथ मसल होती है स्ट्राइशन नहीं होते हैं दे आर इनवोलेंट्री मसल यस इनवोलेंट्री होती है अपनी विलिंग के अकॉर्डिंग वर्क नहीं करती है कम्युनिकेशन ऑफ दीज सेल्स इज परफॉर्म बाय द इंटरक्लेटेड डिस्क नो इंटरक्लेटेड डिस्क इज दिस्टिक फीचर ऑफ द कार्डियक मसल दैट्स वाई आंसर इज फ्री थर्ड में ही आपको आंसर मिल गया है फोर्थ वन दीज मसल्स आर प्रेजेंट इन दॉल ऑफ द ब्लड वेसल्स ये ब्लड वेसल्स की आपको देखने को मिलेगी और पता होना चाहिए पूरा कंप्लीट वैसे अगर मैं बात करता हूं कि डिफ्यूजन के पॉइंट ऑफ व्यू से यहां पे इंटरकलेटेड डिस्क नहीं होता और यहां पे गैप जंक्शन होता तो मैं इसको बिल्कुल सही मानता और डिफ्यूजन के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर देखें तो ब्लड वेसल्स के अंदर आपको एपिथेलियल टिश्यू देखने को मिलता है एपिथेलियल सेल्स होती है वहां पे मस्कुलर नहीं बट उनके जो पूरी कंप्लीट वर्किंग होती है लेयर के अंदर आपको कहां पे जो है स्मूथ मसल देखने को मिलेगी क्लियर स्टूडेंट्स तो आई थिंक यहां तक आप सभी को क्लियर हुआ होगा नेक्स्ट देखें क्वेश्चन नंबर वन एटी टू टाइम वेस्ट करते हुए और बहुत अच्छा क्वेश्चन अर्ली डायग्नोस्टिक का क्वेश्चन आप रीड आउट करें <coughs> क्या दिया है क्वेश्चन के अंदर वेट मिनट क्वेश्चन रीड आउट कीजिए आप <coughs> जितने क्या दिया है क्वेश्चन नंबर 182 के अंदर देखें फॉर इफेक्टिव ट्रीटमेंट ऑफ डिजीज अर्ली डायग्नोसिस एंड अंडरस्टैंडिंग द पैथोजेनिसिटी इज वेरी इंपॉर्टेंट

प्रोटीन की अगर कोई प्रॉब्लम होती है तो अपने क्या लगाते हैं देखो ये आगे भी फ्यूचर के अंदर आप कहीं भी जाएं आपको पता होना चाहिए कि साउथ वालों के डीएनए बहुत अच्छे होते हैं इसलिए डीएनए डीएनए हाइब्रिडाइजेशन साउथ वालों के लिए नॉर्थ वाले जो होते हैं अब डीएनए के जस्ट अपोजिट क्या होगा आर और वेस्ट के अंदर जहां राजस्थान के अंदर जहां राजस्थान के अंदर जो अगर मैं बात करता हूँ समर और विंटर की तो माइनस में भी टेम्परेचर जाता है और फिफ्टी डिग्री भी जाता है वहां वालों के प्रोटीन बहुत अच्छे होते हैं क्या होते हैं प्रोटीन बहुत अच्छे होते हैं वेस्ट में है ना राजस्थान वाले तो वेस्टर्न ब्लॉटिंग इज फॉर प्रोटीन पर प्रॉपरली आपसे जो क्वेश्चन पूछा गया है ट्वेल्थ एनसीआरटी बायोटेक एंड इट्स एप्लीकेशन से पूछा गया उसके लास्ट के अंदर टेक्निक्स डिफाइन की हुई हैं वहां पर अर्ली डायग्नोस्टिक के लिए अपने पीसीआर यूज करते हैं और उसके अलावा वेस्टर्न ब्लॉटिंग तो है ही है साउथर्न ब्लॉटिंग साउथ वालों के डीएनए अच्छे होते हैं वो अपने यूज में करते हैं बट पूछा हुआ है यहां पे जो पूछा हुआ है फॉर इफेक्टिव ट्रीटमेंट ऑफ द डिजीज अर्ली डायग्नोसिस एंड अंडरस्टैंडिंग ऑफ द पैथो फिजियोलॉजी इज वेरी इंपॉर्टेंट विच वन ऑफ द फॉलोइंग मोलिकुलर डायग्नोस्टिक टेक्निक इज़ वेरी यूजफुल टू टू अर्ली डिटेक्शन अर्ली डिटेक्शन के लिए अपने क्या यूज करते हैं एलाइजा स्ट्रेट फॉरवर्ड लिखा हुआ है वहां पर आपकी एन में जाकर के देख ले नेक्स्ट वन क्वेश्चन नंबर 182 क्वेश्चन नंबर 182 अच्छे से एनालाइज करें आपको बताया गया था कि रिप्रोडक्टिव हेल्थ एक ऐसा चैप्टर है

क्टोमी रिमूवल ऑफ द फेलोपियन ट्यूब अच्छे से एनालाइज कर लें क्या होगा इसका आंसर सेकेंड फिर से नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने अच्छे से एनालाइज करें इलेवेंटी सिंपल क्वेश्चन बिल्कुल सिंपलेस्ट क्वेश्चन जब बच्चा फर्स्ट क्लास के अंदर आता है सेकंड क्लास के अंदर आता है तो सबसे पहले उसी को यही बताया जाता है अगर सेल चल रहा हो कि एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम का पार्ट कौन कौन से हैं इलेवेंथ एनसीआर चैप्टर नंबर एट सेल द यूनिट ऑफ लाइफ

एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम यस गोल्जी कॉम्प्लेक्स यस लाइजोसोम यस वैक्यूल यस आंसर इज सेकंड गोल्जी कॉम्प्लेक्स यस माइटोकोन्ड्रिया नहीं होता है राइबोसोम नहीं पार्ट है इसका गोल्जी कॉम्प्लेक्स एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम माइटोकोंड्रिया देखो आप थ्री ऑप्शन के अंदर आपको माइटोकोड्रिया दिया हुआ है और स्पेशली वहां पे मेंशन भी किया हुआ है क्लोरोप्लास्ट एंड आर नॉट इंक्लूडेड इन द एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम बिकॉज ऑफ देयर वर्क इज नॉट कोऑर्डिनेटेड विद ईच अदर तो वो पॉइंट आपको बिल्कुल माइंड में रखना है और ये आपका आंसर आपके सामने क्या है इसका आंसर सेकेंड क्लियर है नेक्स्ट वन क्वेश्चन नंबर 185 अच्छे से एनालाइज करें और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो आपसे डिस्कस भी किया गया था आपकी 360 थ्री 360 सीरीज के अंदर स्पेशली आपको बताया गया था कि ध्यान रखना इस चीज का इसको रिलेट कर दिया था क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस से सेम सिमिलर काइंड ऑफ क्वेश्चन यहां पर आप अच्छे से देखें क्या है विच वन विच स्टेज

Is, ये था आपका इसका जोलॉजी का पूरा कंप्लीट सेगमेंट फर्स्ट अच्छे से देखें अब नेक्स्ट अच्छे से आप एनालाइज करें क्वेश्चन नंबर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और थोड़ा सा ट्रिकी क्वेश्चन हांजी पाचुरेशन प्रोसेस की अगर मैं बात करता हूं तो पाचुरेशन प्रोसेस कैसे प्रोसीड होता है हां जी क्विक क्वेश्चन नंबर 186 अच्छे से एनालाइज करें अब आपका यहां से सेगमेंट नंबर जो सेकंड है वो स्टार्ट हो रहा है देख लें आप क्वेश्चन नंबर 185। हां जी। यहां तक आप स्टूडेंट्स के मैं थोड़ा सा आपसे बात करना चाहूंगा क्वेश्चन नंबर 186 को बताने से पहले हां जी कैसा चल रहा है स्टूडेंट्स इंडियन कॉडोर आपने लिखा है सेवन स्कोर है सर हां जी कहां से हैं स्टूडेंट आप सभी अपना जो है स्टेट एंड सिटी जो है ड्रॉप कीजिए क्विक जल्दी से वन बाय वन ऐसे ही आपको जो है पूरे कंप्लीट इन सभी के सॉल्यूशंस मिलते जाएंगे साथ के साथ आप बने रहें क्वेश्चन नंबर वन एटी सिक्स जो अपने डिस्कस करने वाले हैं और फिफ्टीन क्वेश्चन आपके स्टिल रिमेनिंग रह गए हैं फिफ्टीन क्वेश्चन वन बाय वन अपने आगे प्रोसीड करेंगे क्विक <coughs> स्टूडेंट्स जल्दी से आप ड्रॉप करें जितना जल्दी आप ड्रॉप करेंगे उतना जल्दी मैं स्टार्ट करने वाला हूं जल्दी से आप ड्रॉप कीजिए <coughs> हाँ जी हरियाणा एमपी अजमेर बिहार महाराष्ट्र क्विक जल्दी से देख रहा हूँ मैं आप सभी को स्टूडेंट्स कुछ पूछा जा रहा है आप लोगों से ओके मोस्ट ऑफ स्टूडेंट जो है ड्रॉप कर दिए हैं देख रहा पा रहा हूँ मैं यहाँ पे यूपी बिहार महाराष्ट्र लगभग इंडिया के सभी सर जूलॉजी में चार क्वेश्चंस जो हैं वो इनकरेक्ट हुए हैं बाकी सब सही हैं अभी तो स्टिल बेटा पेपर बाकी है डिस्कस करना आप लोगों से तो डिस्कस करते हैं तैयार हैं स्टूडेंट आप सभी सुने आप अच्छे से इसके अंदर हाँ जी नेक्स्ट क्वेश्चन जो नेक्स्ट सब मैं यहाँ से स्टार्ट करने वाला हूँ ये थोड़ा सा ये जो सेगमेंट आपके इस बार एन टी ए ने बनाए हैं सेगमेंट ए एंड सेगमेंट बी को और जो आपको इसके अंदर चॉइस दी गई है कि आप इन 15 में से 10 क्वेश्चन कर पाएं आपको बता देता हूँ यहाँ जो क्वेश्चन का लेवल है वो थोड़ा सा इन्होंने टिपिकल रखा है इन इनकम्पेरिटिवली देखें आप वन ऑफ द दीज इज़ एन नोट इम्पोर्टेंट कंपोनेंट इनिशिएशन ऑफ द पार्चुरेशन इन ह्यूमन्स इंपॉर्टेंट पॉइंट है मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट और सबसे ज्यादा स्टूडेंट इसमें आंसर क्या लगा के आएंगे इंक्रीज इन द एस्ट्रोजन एफ प्रोजेस्टोन रेशो कि ये इंपॉर्टेंट फैक्टर नहीं है नहीं ये इंपॉर्टेंट फैक्टर है मेन चीज क्या है देर इज नो एनी टाइप ऑफ रोल ऑफ प्रोलेक्टिन इन द प्रोसेस ऑफ पार्चोरेशन प्रोलेक्टिन का जो वर्क होता है वो लेक्टेशन के अंदर होता है वो कहीं पर भी पार्चोरेशन प्रोसेस के अंदर हेल्प नहीं करता है रिलीज ऑफ द प्रोलेक्टिन किसी भी तरीके से कोई इनिशिएशन वगैरह नहीं करवाता बाकी रिमेनिंग जो है चाहे वो प्रोस्टाग्लैंडिन हो चाहे वो ऑक्सीटोसिन हो या फिर स्मॉल अमाउंट ऑफ एस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टन हो ऑल आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द इनिशिएशन ऑफ द पार्चोरेशन प्रोसेस और मेनली इसके अंदर कौन सा फैक्टर मेन रहता है आपका ऑक्सीटोसिन जिसकी सिग्नलिंग पॉजिटिव फीडबैक से ट्रिगर होती है तो ध्यान रखना बहुत अच्छा क्वेश्चन डिजाइन किया इस बार ये वाला तो और इसके अंदर क्या बोला गया रिलीज ऑफ द प्रोलैक्टिन प्रोलैक्टिन कहीं से कहीं तक जो है आपको पाचुरिशिंग प्रोसेस में हेल्प नहीं करके जाता आफ्टर दैट लैक्टेशन की जो प्रोसेस है उसमें हेल्प करता है दैट्स व्हाई आंसर इज फोर नेक्स्ट वन क्वेश्चन नंबर 187 अच्छे से एनालाइज करें क्या है 187 और ये आपका फिर से स्ट्रेटेजी फॉर फूड प्रोडक्शन चैप्टर नंबर नाइन जिसको पहले साइड में रख दिया जाता था कोई दो तीन क्वेश्चन जो पूछे जाते थे से, आपका ट्वेल्थ चैप्टर नाइन चैप्टर नंबर नाइन से फोर्थ क्वेश्चन मुझे यहां पर देखने को मिल रहा है अच्छे से एनालाइज कर लें क्या है विच वन ऑफ द फॉलोविंग इज नॉट अ स्टेप ऑफ मल्टीपल ऑवल एम्ब्रियो ट्रांसफर टेक्निक मॉइट इसमें से कौन सा स्टेप सही नहीं है फर्स्ट वन इज हार्मोन हैविंग एल एच लाइक एक्टिविटी फॉर सुपर ओवल्यूशन आंसर तो आ गया होगा आप लोगों के पास में तो रिमेनिंग पॉइंट्स पढ़ने की जरूरत है बच्चों सुने अच्छे से आंसर आपको सिंगल के अंदर मिल गया होगा चलो ठीक है आगे अपने चलते हैं काउ इल्ड अबाउट सिक्स टू एट एक्स एट ए टाइम सिक्स टू एट हो सकते हैं उससे ज्यादा भी हो सकते हैं काउ इज फर्टिलाइज बाय द आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन ट्रांसफर टू द सरोगेट मदर एट एट टू थर्टी टू सेल स्टेज ओके दिस इज करेक्ट बट हेयर यू कैन सी लाइक एल एच इज नॉट रिस्पॉन्सिबल फॉर द सुपर ओव्यूलेशन एफ एस एच इज रिस्पॉन्सिब रिस्पॉन्सिबल फॉर द सुपर ओव्यूलेशन दैट्स ऑव्यूलेशन आंसर इज फर्स्ट अच्छे से देखें क्वेश्चन नंबर सेवन आंसर इज फर्स्ट नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर सॉरी अगेन कॉलम और आपके पास ये कॉलम अब की बार आया है आपकी इकोलॉजी से कहां से है इकोलॉजी से अच्छे से एनालाइज कर लें देखो कर तो दिया है सेगमेंट की बॉटनी है जोलॉजी है बट क्वेश्चन जो है वो रैंडम्स डाले हुए हैं काफी सारे क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे जो बोर्डनी कंसर्निंग थे वो यहाँ पे जोलॉजी के अंदर आपको देखने को मिल रहे होंगे इधर देखिए आप <coughs> क्या पूछा हुआ है मैच या कॉलम दिया हुआ है अच्छे से मैच कीजिए चार पॉइंट्स मैं आपका आंसर देखना चाहूंगा इस क्वेश्चन के रिगार्डिंग जिन स्टूडेंट्स ने गलती की है जिन सभी स्टूडेंट ने गलती की है इसके अंदर मैं देखना चाहूंगा क्विक जल्दी से आप अपना आंसर ड्रॉप करें इस क्वेश्चन का क्विक क्वेश्चन नंबर 188 आपके सामने एलेंस रूल पे अप्लाई होता है फिजियोलॉजिकल एडेप्टन फिजियोलॉजिकल एडेप्टेशन बिहेवियल एडेप्टेशन एंड लास्ट वन बायोकेमिकल एडेप्टेश क्विक क्वेश्चन नंबर वन एटी एट और मैं आपका जो है आंसर देख रहा हूं स्टूडेंट्स सो रहे हैं आप सभी स्टूडेंट्स सो रहे हैं आप सभी सुन लें क्वेश्चन नंबर वन एटी एट डिफाइन कर ही देता हूं मैं टाइम वेस्ट ना करें क्योंकि आपका आगे अभी बॉटनी सेगमेंट भी है और नेक्स्ट देखें आप क्या पूछा गया आप लोगों से एलेंस रूल फिजियोलॉजिकल एडेप्टंस थर्ड नंबर बिहेवियल एडेप्टन और लास्ट वन आपसे पूछा गया है बायोकेमिकल एडेप्टेशन एल एलन रूल्स पोलर सील के अंदर जो देखने को मिलता है फिजियोलॉजिकल एडेप्टेशन आपको केंगेरू रेड के अंदर देखने को मिलता है वो रिड्यूस कर लेता है वोटर का जो पॉइंट है आ, मतलब जो अपने को पता है कि कंसेंट्रेटेड यूरिन प्रोड्यूस करता है और फैट ऑक्सीडेशन से ही उसकी बॉडी के अंदर वाटर जो है फर्दर रिलीज uh, होता है और उसी को वो यूटिलाइज करता है अपनी मेटाबॉलिक प्रोसेसेस के लिए नेक्स्ट वन इसके अंदर बिहेवियल जो एडेप्टेशन आपको देखने को मिलता है वो किसके अंदर देखने को मिलता है जो डेजर्ट लिजार्ड है वो अंदर चली जाती है पता है ना वो और लास्ट वन बायोकेमिकल जो आपको देखने को मिलता है वो किसके अंदर मैराइन फिशेज एट डेप तो क्या होगा इसका अंसर? आंसर is, आंसर इज आंसर इज सी क्लियर है नेक्स्ट वन अच्छे से एनालाइज करें नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 180 180 वन एटी वन नाइन अच्छा क्वेश्चन है और अच्छे से देख लें फिर से वहीं से क्वेश्चन सेम टॉपिक से सिमिलर काइंड ऑफ क्वेश्चन जो है उठाया हुआ है देखिए आप <coughs> क्या है अ पर्सन गोस टू हाई एल्टीट्यूड एंड एक्सपीरियंस एल्टीट्यूड सिकनेस विद द सिम्टम्स लाइक ब्रीदिंग डिफिकल्टी एट हार्ट पल्पिटेशन ये सारे पॉइंट आपको कहां देखने को मिलते हैं एडेप्टेशन के अंदर चैप्टर नंबर थर्टीन ट्वेल्थ एनसीआर टी देखें आप अच्छे से एनालाइज करें क्या दिया हुआ है रीजन क्या दिया ड्यू टू द लो एटमोस्फेरिक प्रेशर एट हाई एल्टीट्यूड द बॉडी डज नॉट गेट द दफिशियंट ऑक्सीजन ऑक्सीजन उसके पास होती नहीं है स्लीपिंग सिकनेस सॉरी एल्टीट्यूड सिकनेस उसके अंदर देखने को मिलती है सो दैट्स वाई बोथ ए एंड बी आर करेक्ट एंड द बी इज आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए स्टेटमेंट अच्छे से देख लें आप नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर वन नाइनटी एनालाइज करें विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इन रेफरेंस टू द लिपिड

सी ओनली करेक्ट है इसके अंदर बी एंड सी आंसर क्या हो जाएगा इसका सी आपको पता है अनसर्च फैटी एसिड और डबल बॉन्ड होगा गलत है यहां पे 20 कार्बन पाल्मेटिक एसिड के अंदर होते हैं और 16 कार्बन आपके सॉरी 20 कार्बन एरेक्टिन एसिड के अंदर होते हैं लिखा क्या है पाल्मेटिक एसिड गलत है एरेक्टोनिक एसिड के अंदर 20 कार्बन क्या होते हैं लिखा क्या हुआ है सोलह कार्बन गलत है सो so आंसर क्या हो जाएगा इसका बी और सी आंसर इज थ्री नेक्स्ट क्वेश्चन आप अच्छे से देखें क्वेश्चन नंबर 191 वन मैच द कॉलम है ज्यादा टाइम आपको नहीं वेस्ट करना है लोकोमोशन एंड मूवमेंट इलेवंथ एनसीआरटी सेकेंड लास्ट जो पेज आपको दिया हुआ है प्रॉपरली आप जाकर के मैच कर लें स्कैपुला किस टाइप का बोन होता है एक ट्रायंगुलर बोन होता है क्रेनियम की अगर बात करें तो किस टाइप के ज्वाइंट्स आपको वहां पे देखने को मिलेंगे स्कैपुला किस टाइप का बोन है एक फोर दो ऑप्शन कट हो गए आपके पास एक का फोर आ गया है सेकंड वन क्रेनियम सेकंड और थर्ड आपको बताया हुआ है फाइब्रस जॉइंट आपको क्रेनियम के अंदर देखने को मिलते हैं नॉन मूवेबल जॉइंट आफ्टर दैट स्टर्नम फ्लैट बोन सी का थर्ड बी का थर्ड एंड सी का सेकंड और लास्ट वन वर्टिपल कॉलम के अंदर कार्टिलेजिनस ज्वाइंट देखने को मिलते हैं लास्ट में क्या जाएगा वन सो आंसर इज फोर क्वेश्चन नंबर वन आंसर इज फोर अच्छे से देख लें नेक्स्ट क्वेश्चन नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर वन क्वेश्चन नंबर 192 सेक्शन टू के यहाँ पे क्वेश्चन चल रहे हैं और आपसे पूछा गया है चार पॉइंट आपको यहाँ पे डिफाइन किए हैं देखें आप क्या है कि आइडेंटिफाई द टाइप ऑफ द सेल जंक्शन हेल्प्स टू स्टॉप ऑफ लीकेज स्टॉप ऑफ लीकेज टाइट जंक्शन चार ऑप्शन दिए हैं जिसमें पहला पहला आपको देख करके आंसर प्रिटिक हो जाएगा इजीली क्या है आंसर सेकंड क्योंकि आपको पता है कि जहां स्टॉपेज ऑफ सब्सटेंसेस आ जाएगा क्या आ जाएगा टाइट जंक्शन और जहां कंटिन्यूशन के अंदर रहेगा नेबरिंग से ट्रांसफर वो क्या होते हैं गैप जंक्शन आंसर इज सेकेंड ये सेक्शन बी डिस्कस कर रहा हूं मैं आपका सेक्शन बी के अंदर क्वेश्चन नंबर 193 आप अच्छे से देख लें क्या है क्वेश्चन नंबर 193 और पूछा क्या हुआ है कि एयू कोडोन जो होता है एयू कोडोन आर कोड फॉर मिथ्योनिन फिनाइल एलान के लिए वो कोड नहीं करता ओनली मिथ्योनिन फिनाइल मिथ्योनिन ये बोल सकता हूँ सॉरी मिथ्योनिन फॉर्मिल मिथ्योनिन मैं बोल सकता हूं आफ्टर दैट ट्रिपल ए एन एज बोथ आर कोडोन फॉर द एमिनो एसिड लाइसिन अगर आप पूरी टेबल आपको अच्छे से याद हो उस टेबल के अंदर जब यहां पर आप ए ए ए ए ए और जी पढ़ते हैं बोथ हार फॉर लाइसिन यस इसका स्टेटमेंट फर्स्ट सो तो इन करेक्ट है स्टेटमेंट सेकेंड कैसा है करेक्ट फिनाइलिन की अगर मैं बात करूंगा तो यू 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 ये आपको देखने को मिलता है नो डाउट वो बात अलग है बट स्टिल आप अच्छे से देखें स्टेटमेंट वन इज करेक्ट एंड स्टेटमेंट टू इज इन करेक्ट सो सॉरी स्टेटमेंट वन इज इन करेक्ट एंड स्टेटमेंट टू इज करेक्ट सो आंसर इज फोर बहुत अंदर से क्वेश्चन लिया गया है ये पता होना चाहिए नेक्स्ट वन क्वेश्चन नंबर 194 नाइनटी फोर विच वन ऑफ द फॉलोविंग आर रिस्पॉन्सिबल टू सिक्रिट हार्मोन रिलैक्सिन ड्यूरिंग द लेटर फेज ऑफ द प्रेगनेंसी हांजी लेटर फेज ऑफ प्रेगनेंसी ग्राफिन फॉलिकल्स नो फिटस नो यूट्रस नो कार्पसलूटियम ओवरी आ, आपकी एनसीआई ने स्पेशली लिखा हुआ है कि लेटेस्ट स्टेज ऑफ ड्यूरिंग लेटेस्ट स्टेज ऑफ प्रेगनेंसी के अंदर अगर बात करें स्पेशली ओवरी लिखा हुआ है तो ओवरी में आपको मिलता है कोई आंसर इसका नहीं आएगा। 194, one, 195, से देखें जो स्टूडेंट बोलते हैं कि अर्थ से क्वेश्चन नहीं आता है सर ये लीजिए अर्थवॉर्म से क्वेश्चन आपके सामने है क्वेश्चन नंबर 190 क्वेश्चन नंबर अच्छे से एनालाइज करें फॉलोइंग आर द स्टेटमेंट ऑफ अबाउट प्रोस्टोमियम प्रोस्टोमियम फर्स्ट सेगमेंट पेरिस्टोमियम के आगे होता है अब इसने क्या बोला इट इज द फर्स्ट बॉडी सेगमेंट नो फर्स्ट बॉडी सेगमेंट इज पेरिस्टोमियम उसके ऊपर एक सेंसरी स्ट्रक्चर प्रेजेंट होती है वो सेंसरी स्ट्रक्चर सॉइल के अंदर ओपन uh, करने के लिए उसकी ताकि वो इजीली क्राउल कर सकें और छोटे छोटे जो है पोर्स बना सकें फॉर द सर्व एज एन कवरिंग ऑफ द माउथ यस माउथ की कवरिंग के अंदर हेल्प करती है सेंसरी होती है इट हेल्प टू ओपन द क्रैक इंटू इन दॉयल इन टू विच इट कैन क्राउल वो घूम सकता है रेंग सकता है तो ए बी एन सी ये थ्री तीनों स्टेटमेंट सही है डी स्टेटमेंट इसका बिल्कुल गलत है दैट्स वाई ए स्टेटमेंट बी स्टेटमेंट एंड सी स्टेटमेंट आर करेक्ट एंड डी स्टेटमेंट आर इन करेक्ट फर्स्ट सेगमेंट नहीं होता फर्स्ट बॉडी सेगमेंट तो इसके पेरिस्टोमियम होता है पेरिस्टोमियम पे प्रोस्टोमियम आगे लगा रहता है ध्यान रखना फर्स्ट बॉडी सेगमेंट पेरिस्टोमियम होता है नेक्स्ट <coughs> वन पूछा गया विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट द हिस्टोन इज रॉन्ग हिस्टोन इज रॉन्ग

सो आंसर इज ए बिल्कुल सही है इसका स्टेटमेंट सी स्टेटमेंट बिल्कुल सही है डी स्टेटमेंट सही है स्टेटमेंट e सही है आंसर क्या हो जाएगा इसका वन एंड ओनली फास्ट बी स्टेटमेंट गलत है ए बैंड वाइड नहीं होता ए बैंड के साइज होता ही नहीं है चेंज तो बी स्टेटमेंट तो गलत है बी यहां भी है बी यहां भी और बी यहां भी है सीधी सी बात है आंसर क्या आ जाएगा इसका नेक्स्ट <coughs> वन आप अच्छे से एनालाइज करें थर्ड लास्ट क्वेश्चन आपके सामने है क्वेश्चन नंबर वन नाइन एट एडिनोश इन डी एम डेफिशिय रिजल्ट इन टू देखो बेटा आपको मैंने पहले भी बताया था कि ये जो सेगमेंट है इस सेगमेंट के अंदर क्वेश्चन की हैं पर आपकी एन में से एनटीए वालों ने मैं फिर से बोल रहा हूं अब की बार जो पेपर बना है बिल्कुल एक सिंगल सिंगल टॉपिक से तीन तीन चार चार क्वेश्चन एक साथ उठ के आ रहे हैं वही आपका ट्वेल्थ एनसीआरटी का चैप्टर नंबर ट्वेल्व बायोटेक एंड एप्लीकेशन का आप देखें ये जीन थेरेपी का दूसरा क्वेश्चन आपके सामने है

तो आपको बता देता हूं और इवन आपको यह भी बता देता हूं जो हमारी बायोलॉजी की एनसीआरटी क्यू बैंक है उस क्यू बैंक के अंदर स्ट्रेट फॉरवर्ड आपको यह क्वेश्चन देखने को मिल जाएगा जो लास्ट क्वेश्चन ने डिस्कस किया है ऐसे एक क्वेश्चन छोड़िए नंबर ऑफ क्वेश्चन जो मैं यहां पे डिस्कस कर चुका हूं ऑलरेडी वो पूरे कंप्लीट एनसीआरटी ने क्यू बैंक जो बनाया हुआ है उस क्यू बैंक के अंदर एक सिंगल सिंगल चैप्टर जो है आपके उसके हंड्रेड प्लस क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे हंड्रेड हंड्रेड प्लस के अराउंड क्वेश्चन है इवन कुछ क्वेश्चन ऐसे भी हैं जो बियॉन्ड एनसीआरटी है वो उसके अंदर बाद में आपको देखने को मिलेंगे दिए हुए हैं और सारा का पूरा कंप्लीट जो आपको यहां पे पेपर देखने को मिल रहा है पेपर को ये कहूंगा मैं मॉडरेट था ज्यादा इजी नहीं बोलूंगा लेंथी था बायो वाइज से स्टेटमेंट वाइज क्वेश्चन काफी आए हैं बट इस साल आपके सेवेंटीन मैच का कॉलम आए हैं जो लास्ट ईयर से भी ज्यादा है लास्ट ईयर सिक्सटीन थे समझ में आ रही है बात तो आप अच्छे से देखें नेक्स्ट इसके अंदर अपने प्रोसीड करते हैं इसके बाद आपका बोर्डनी सेक्शन जो है वो डिस्कस किया जाएगा डॉक्टर हिमांशु ओझा सर जो है आपसे डिस्कस करेंगे पूरा कंप्लीट बॉटनी सेगमेंट जो है इसका वन बाय वन सारे क्वेश्चंस आपके सामने और के अंदर आपका केमिस्ट्री और फिजिक्स भी चलेगा अच्छे से एनालाइज कर लें क्या है ये ठीक है देखिए आप इस क्वेश्चन अगेन मैच कॉलम क्या पूछा हुआ है और इवोल्यूशन से क्वेश्चन आपके सामने है अच्छे से देखें चैप्टर नंबर सेवन ट्वेल्थ एनसीआर पूछा हुआ है एडेप्टिव रेडिएशन का एग्जाम्पल सेकंड वन कन्वर्जेंट इवोल्यूशन थर्ड वन डाइवर्जेंट इवोल्यूशन फोर्थ वन इवोल्यूशन बाय द एंथ्रोपोजेनिक एक्शन और ये पॉइंट मैं हर बार आपको डिफाइन करता हूं एंथ्रोपोजेनिक एक्शन वाला डी के साथ क्या फर्स्ट मैच कर लीजिए के जस्ट ऊपर का पैराग्राफ जो आपको पूरा कंप्लीट अंडरलाइन करवाया जाता है उस पैराग्राफ से ही पूरा कंप्लीट क्वेश्चन आपके सामने है देखें आप सिलेक्शन ऑफ द रेजिस्टेंट ड्यू टू द एक्सेसिव यूज ऑफ द हर्बिसाइड एंड पेस्टिसाइड दिख रहा है आपको नेक्स्ट वन एडेप्टिव रेडिएशन की अगर बात की जाए तो एडेप्टिव रेडिएशन का डार्विन डारिंचज कन्वर्जेंट इवोल्यूशन की अगर बात की जाए तो विंग्स ऑफ बटरफ्लाई एंड द बर्ड्स बटरफ्लाई एंड द बर्ड्स कन्वर्जेंट इवोल्यूशन ओरिजिन अलग अलग है और नेक्स्ट वन डाइवर्जेंट इवोल्यूशन बोन ऑफ द फोर लिम्स ऑफ मैन एंड वेल दोनों का ओरिजिन सेम होता है फंक्शन क्या है अलग अलग दैट्स आंसर इज फर्स्ट क्या आ जाएगा इसका आंसर फर्स्ट एंड लास्ट क्वेश्चन आपका जोलॉजी सेगमेंट का क्या है क्वेश्चन नंबर टू हंड्रेड अच्छे से एनालाइज कर लें अगेन मेहलम फिर से और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज का क्वेश्चन उठाया है अब इन्होंने चैप्टर नंबर एट ट्वेल्थ एनसीआर यूनिट थ्री देखें आप फर्स्ट के अंदर जो आपको डिजीज़ डिजीज दी हुई है जिसमें फंगल डिजीज बैक्टीरियल डिजीज वायरल डिजीज कॉमन कॉल्ड और आपको प्रोटोजोनल डिजीज डिफाइन की हुई है उन सभी से एक मैच का कॉलम उठाया है पूरा कंप्लीट अच्छा पैथोजन बेस्ड है देखें आप फाइलेरियरिया बैंक एसके हेलमेंटिस का जो मेंबर है उससे एमीबियोसिस अमीबियोसिस जानते हो एंड अमीबाइस्टोलेटिका न्यूमोनिया न्यूमोनिया हिमोफिलस इन्फ्लुजी और रिंगवर्म ट्राइकोफाइटोन ट्राइकोफाइटोन एपिडर्मोफाइटोन इन सभी से जो आपको देखने को मिलता है फाइल एरिएसिस एक का क्या आ जाएगा थर्ड एक ही ऑप्शन आपके पास है और ऐसा ही हर बार नीट के अंदर लास्ट ईयर भी किया गया था जितने भी मैच जो कॉलम आए थे उसमें से एक ऑप्शन आप मैच करते हो साथ के साथ आपको आंसर मिलता है तो इस तरीके से पूरा कंप्लीट हां क्विक आप अपने जोलॉजी सेगमेंट के साथ साथ अब जो है कॉन्टिन्यूशन के अंदर डॉक्टर हिमांशु ओझा सर आपके सामने आ रहे हैं और बॉटनी का पूरा सेक्शन जो है वन बाय वन आपसे एक एक क्वेश्चन डिस्कस करेंगे पूरे कंप्लीट पेपर की बारीकियां आपको बताएंगे कि इस साल जो पेपर कैसा बना है किस तरीके से आया है सेक्शन ए और बी का क्या पूरा कंप्लीट जो है एनालिसिस रहा है वो भी आपको बायो का जो है पूरा कंप्लीट एनालिसिस मिलेगा तो आप बने रहें साथ के साथ इसी कॉन्टिन्यूशन के अंदर विद इन वन मिनट आपके सामने आ रहे हैं सर हेलो स्टूडेंट्स डिस्कस करते हैं अपने बॉटनी के पेपर को और होपफुली मुझे पता है आप लोगों ने अच्छा ही किया है और जैसे जैसे डिस्कस करेंगे आपको कई चीज़ें मैं अमेजिंग बताता चलूंगा जो कि अपन ऑलरेडी पहले ही बात कर चुके थे और एज एजेड क्वेश्चन आए हैं बच्चे शायद रिकॉग्नाइज कर गए होंगे जैसे ही उन्होंने नीट का पेपर देखा होगा एग्जाम हॉल में तो शायद याद किया हो अच्छी बात होगी तो देख लेते हैं वन बाय वन सबसे पहले क्वेश्चन है जीरो वन uh, क्या पूछा था आपसे आपसे पूछा है इन स्पाइट ऑफ इंटर स्पेसिफिक कॉम्पिटिशन इन नेचर विच मेकनिजम द कॉम्पिटिंग स्पीशीज माइट हैव है फॉर द सर्वाइवल भाई सर्वाइवल के लिए ठीक है इन्होंने ये बता दिया कि कॉम्पिटिशन है इंटर स्पेसिफिक कॉम्पिटिशन है ठीक है फर्स्ट ऑप्शन में भी है रिसोर्स पार्टीशनिंग में भी कॉम्पिटेटिव रिलीज में भी दिख रहा है आपको दूसरे में भी दोनों में ही कॉम्पिटिशन होता है म्यूचुअलिजम प्रेडेशन में नहीं होता है ठीक है दो को छोड़ देते हैं अपन लास्टों को बाकी दो में है तो पहली ही लाइन अपने को यह कहती है कि इंटर स्पेसिफिक कॉम्पिटिशन तो हो रहा है ओके okay? अब उसमें भी क्या ऐसा है जो सर्वाइवल के लिए दोनों स्पीशीज को सर्वाइवल के लिए बना है ठीक है तो रिसोर्स पार्टीशनिंग खास करके जब हम बात करते हैं एक तो लॉ की जहां हम कहते हैं गॉस लॉ कहता है कि भाई दो स्पीशीज अगर क्लोजली रिलेटेड है सेम फूड के लिए कंपटीशन कर रही है तो वो साथ में एग्जिस्ट नहीं कर सकती है ठीक है एक दूसरे को एलिमिनेट कर देगी जो भी सुपीरियर होगी लेकिन साथ ही साथ हमने क्या पढ़ा हमने कहा कि मैकॉर्थर्ड ने इसको डिस्प्रूव कर दिया उन्होंने कह दिया भाई ऐसा नहीं होगा ठीक है और उन्होंने वॉबलर्स का एग्जाम्पल लेकर के ये बताया कि देखिए रिसोर्स पार्टिशनिंग अगर की तो दोनों साथ में रह सकती है कंपटीशन के बाद भी दोनों साथ में रह रही है ये एक्चुअली है इसका पॉइंट तो आंसर क्या हो जाएगा इसका फर्स्ट ठीक है फर्स्ट आंसर हो जाएगा <coughs> क्योंकि हमें सबसे पहले जो भी बच्चे का आ, ये पेपर मिला तो उसने जो भी टिक लगाए हुए होंगे आप उसको ध्यान मत दीजिएगा ठीक है रिसोर्स पार्टिशनिंग हिंदी में संसाधन विभाजन बोलते हैं इसे आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट सेकंड क्वेश्चन में क्या था भाई मैच द फॉलोइंग और एक ट्रिक मैंने दी हुई है आगे के लिए भी याद रखिएगा कभी किसी बच्चे को आपको बतानी हो तो ये ट्रिक बहुत काम करती है क्या है भाई इस ट्रिक में तो देखिए पहले ही क्वेश्चन में मोस्ट ऑफ द टाइम ऐसा होता है कि जब मैच द फॉलोइंग टाइप क्वेश्चन होते हैं तो नीट में पहला ही क्वेश्चन करेक्ट मिलता है मैंने ऐसा देखा है जनरली तो देखिए ऑप्शंस भी बहुत ज्यादा ऐसे नहीं होते कि कंफ्यूजिंग हो फोर्स देखा सेल्स विद एक्टिव सेल डिवीजन कैपेसिटी क्या बोलते हैं हम मैरिस्टेमेटिक टिश्यू बोलते हैं वन का टू मैच हुआ ठीक है टिश्यू हैविंग ऑल सेल सिमिलर इन स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ठीक है क्या हो जाएगा <coughs> तो सिंपल टिश्यू अपन इसको बोल सकते हैं ठीक है सिंपल टिश्यू बोल सकते हैं जी टिश्यू हैविंग डिफरेंट टाइप्स ऑफ सेल्स क्या बोल सकते हैं हम इसको अगर डिफरेंट टाइप ऑफ सेल्स है वेस्क्यूलर टिश्यूज बोल सकते हैं ठीक है वेस्क्यूलर टिश्यू बोल सकते हैं जी देन डेड सेल्स विथ हाईली थिकेंड वॉल्स एंड नैरोन क्या बोल सकते हैं इसको स्क्लेरिड बोल सकते हैं स्क्लेरिड में ऐसा होता है ठीक है अब हम मैच करते हैं क्या बनता है टू फोर वन थ्री टू फोर वन थ्री सबसे पहला ही ऑप्शन है वन करेक्ट है इसका अब देखिए जो मैं आपको बताने जा रहा हूं बात पहला अगर अपन ने केवल देखा होता न का टू उसी से मैच कर सकते थे टाइम बचता है इससे सेव होता है ठीक है तो ये तरीका है और ये इसका आंसर है आगे बढ़ते हैं टाइम वेस्ट ज्यादा नहीं करेंगे ड्यूरिंग द प्यूरिफिकेशन प्रोसेस फॉर रिकॉम एंड टेक्नोलॉजी एडिशन ऑफ चिल्ड इथेनॉल डायरेक्ट क्वेश्चन था चिल्ड इथेनॉल जैसे ही हम डालते हैं क्या प्रेसिपिटेट होता है तो हमें पता है डीएनए ये डीएनए के लिए ही तो है प्रेसिपिटेट करने के लिए उसे ठीक है तो थ्रेड लाइक डीएनए नजर आने लगता है ये आप एनसीआर में पढ़ते हैं डायरेक्टली लाइन है ये तो जैसे ही चिल्ड इथेनॉल डालते हैं डीएनए जो है वो प्रेसिपिटेट आउट होता है तो ये आंसर क्या हो जाएगा इसका डायरेक्टली डीएनए हो जाएगा ठीक है आंसर हो जाएगा इसका डीएनए फिर बात क्या आती है भाई फिर से मैच द फॉलोइंग वापस वही चीज स्टार्ट करते हैं कई बार फर्स्ट टाइम में नहीं मिलेगा सेकेंड पॉइंट में मिल जाएगा इजीली कोहेजन क्या होता है भाई तो कोहेजन को हम क्या बोलेंगे म्यूचुअल अट्रैक्शन मंग वॉटर मॉलिक्यूल्स ठीक है फिर क्या आता है अधन आता है क्या बोलेंगे हम हम बोलेंगे अट्रैक्शन टूवर्ड्स पोलर सरफेसिस ठीक है फिर हम क्या बोल देंगे भाई सरफेस टेंशन क्या आ जाएगा सरफेस टेंशन मोर अट्रैक्शन इन लिक्विड फेज मोर अट्रैक्शन इन लिक्विड फेज लिखा हुआ एनसीआरटी की लाइन है ऐसा भी नहीं है कि हम कोई एडिशनल बता रहे हैं गटेशन क्या होता है वॉटर लॉस इन लिक्विड फेज तो क्या बन जाएगा इससे हमारे पास आएगा टू फोर वन थ्री टू फोर वन थ्री के साथ में क्या बन जाएगा आंसर फर्स्ट हो जाएगा इसका ठीक है तो एस सच इजी है डायरेक्ट क्वेश्चन है मैच द फॉलोइंग टोटल सेवनटीन आए हैं इस बार नीट के पेपर में बायोलॉजी सेगमेंट के अंदर पिछली बार सिक्सटीन थे इस बार एक ज्यादा आए हैं सेवनटीन आए इतने आते हैं मैच द कॉलम समझ लीजिए उसमें भी इस बार बॉटीजी अलग अलग किया था हालांकि सच लगा नहीं हमें बॉटनी के कई क्वेश्चन जुलॉजी में डाले हुए थे जुलॉजी के भी क्वेश्चन बॉटनी में है इवोल्यूशन दोनों में ही डाला हुआ है तो सच हम नहीं कहेंगे कि ज्यादा क्योंकि बॉटनी का पार्ट ज्यादा होता है इन कंपेरिजन टू जुलॉजी तो, तो बॉटनी को दोनों जगह पर डाला हुआ है ये हमने देखा है तो इस पर्टिकुलर बॉटनी सेगमेंट में ये देखा है कि नाइन क्वेश्चंस ऐसे हैं जिसमें मैच द कॉलम है हमने पहले भी देख लिए ये भी है आगे भी आएंगे नाइन टोटल क्वेश्चंस हैं ये एनालिसिस हुआ है इस पेपर का ट्वेंटी वन का ठीक है आगे बढ़ते हैं अपन और क्या क्या एनालिसिस हुआ है वो भी मैं आपको आगे बताता चलूंगा नेक्स्ट क्या है भाई क्वेश्चन क्वेश्चन नेक्स्ट है अपने पास द टर्म यूज फॉर ट्रांसफर ऑफ पॉलन ग्रेन फ्रॉम एंथर ऑफ वन प्लांट टू स्टिग्मा ऑफ डिफरेंट प्लांट अब डायरेक्टली प्लांट ही चेंज हो जाता है भाई क्या होता है प्लांट ही चेंज हो गया हम कहते हैं एक ही प्लांट है दो फ्लावर्स हैं तो गेटेनो बोल देंगे एक ही प्लांट है उसका एक ही फ्लावर है उसी के पॉलन और स्टेग्मा के बीच में तो हम उसको क्या बोल देंगे हम उसे ऑटोगेमी कह देंगे लेकिन जब प्लांट ही डिफरेंट है तो हम क्या बोलेंगे उसे जीनो बोलेंगे इजी है सच कुछ भी नहीं था ठीक है तो क्या हो जाएगा इसका आंसर हो जाएगा जीनो ठीक है फर्स्ट आंसर हो जाएगा इसका जीनो गेमी और क्लीस्टो अपन ओपन और क्लोज्ड फ्लावर्स के लिए बात करते हैं यहां पे ये आप जानते हैं फिर बात आती है क्या व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्टेजेस ऑफ मियोसिस इन्वॉल्व्स डिवीजन ऑफ सेंट्रोमियर भाई सेंट्रोमियर्स का डिवीजन हो रहा है सेंट्रोमियर क्या कर रहा है डिवाइड कर दे रहा है सेंट्रोमियर ठीक है याद करिए अब सेंट्रोमियर और उसका भी डिवीजन हो रहा है कहां हो सकता है ऐसा कि डबल हो जाना एक से दो हो जाना टूट करके इधर-उधर आ जाना दोनों और फिर दो क्रोमोसोम्स इधर-उधर हो जाना कहां है ऐसा क्या है ना हम लोग फेज वन की बात कर रहे हैं मियोसिस वन या टू की पहली बात तो ये डिसाइड करिए तो जब सेंट्रोमियर की बात कर रहे हैं सेकंड की बात करेंगे अब उसमें भी ऐसा कहां होगा तो भाई मेटाफेज प्लेट पे तो केवल असेंबल रहते हैं वो अलग थोड़ी हो रहे हैं यहां बात हो रही है डिविजन हो रहा है अलग हो रहे हैं तो क्या होगा एनाफेज टू हो जाएगा आंसर क्या हो जाएगा इसका एनाफेज टू हो जाएगा तो थोड़ा सा अपने को समझना होता है कॉन्सेप्ट अपने को आता है और अपन इजीली टिक लगा देते हैं आंसर्स ठीक है आगे क्वेश्चन पे बढ़ते हैं क्वेश्चन क्या है जी क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग करेक्ट सीक्वेंस ऑफ स्टेप्स इन अ पीसीआर 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 से रिलेटेड भी इवन दो तीन क्वेश्चन पूछे हैं। दो डायरेक्ट क्वेश्चन है एक इनडायरेक्ट क्वेश्चन है लेकिन सेम टॉपिक्स और ऐसा देखा है इस पेपर में कि एक और एनालिसिस इसकी हम बात कर सकते हैं इसी पेपर में बहुत जगह पे ऐसा हम लोग पा रहे हैं कि टॉपिक्स जो हैं वो खास करके सिंगल टॉपिक से भी दो दो तीन तीन क्वेश्चन दे दिए हैं ये हमने इस बार देखा है ठीक है तो अब अपन क्या बात करते हैं करेक्ट सीक्वेंस है पीसीआर की क्या होगी तो अपने को पता होना चाहिए भाई सबसे पहले क्या होता है डी फेज होता है जो डीएनए के दोनों स्ट्रेंड है उनको अलग करना होता है हाई टेम्परेचर देना होता है ठीक है फिर क्या होता है जब अलग हो गए दोनों उसके बाद में एनीलिंग होगी प्राइमर्स जाकर के अटैच करने होंगे फिर क्या होगा एक्सटेंशन होना होगा जहां पे पॉलीमरेज काम आएगा नॉर्मली डीएनए ही पॉलीमरेज है लेकिन टैक पॉलीमरेज स्पेसिफिकली वो भी एक तरह का डीएनए पॉलीमरेज ही है ठीक है लेकिन किन में मिल रहा है कुछ तरह के स्पेसिफिक बैक्टीरिया के अंदर मिल रहा है जिनको हम आर्की बैक्टीरिया के मेंबर कह देते हैं टैक पॉलीमरेज जो बनता है थर्मस एक्वेटिकस जैसे कि इसी तरीके के और भी होते हैं तो क्या कहा यहां पे तीन स्टेप्स क्या बन गए डीनेचुरेशन नेचुरेशन एंड देन एक्सटेंशन तो ये आपको बस फॉलो करना था जैसे ही आप देखेंगे कि ऐसा कहां मैच कर रहा है ये मैच कर रहा है आपके पहले ही ऑप्शन में फर्स्ट ऑप्शन में ही आपको मैच कर जा रहा है डीनेचुरेशन एनलिंग एंड एक्सटेंशन ठीक है आगे बढ़ चलते हैं आगे बढ़ चलते हैं क्या होगा भाई गैमा और गैमे आर प्रेजेंट इन किन में होते हैं गैमा प्रेजेंट ये तो अपने को पता होना चाहिए मेनली गैमे को अगर अपन देखेंगे ब्रायोफाइट्स और उसमें भी अब क्योंकि थोड़ा बहुत ट्रिकी बन सकता है ट्रिकी नहीं कहेंगे इसे अपन ये कहेंगे अगर बच्चे थोड़े भी कंफ्यूज होते हैं ये तो याद रहता है गैमा प्रायोफाइट्स में लेकिन किस में कौन से ग्रुप में दो ग्रुप्स आपके एनसीआरटी में दिए हुए हैं लिवर वर्ड्स दिए हैं मॉसेस दिए हैं तो गैमा की बात कहां होती है भाई लिवर वर्ड्स और उसमें भी सम लिवर वर्ड्स वी कैन से तो क्या बोलेंगे यहां पर सम लिवर वर्ड्स के अंदर गैमे होते हैं <coughs> ए सेक्शुअल रिप्रोडक्शन के लिए अपन बोल देते हैं इनको ठीक है तो ध्यान रखना है इसके लिए भी नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं भाई 109 जीरो नाइन द प्रोडक्शन ऑफ गैमीट्स बाय द पेरेंट्स फॉर्मेशन ऑफ जयगोड्स द एफ वन एंड एफ टू प्लांट कैन बी अंडरस्टूड फ्रॉम अ डायग्राम इन सबको अपन कैसे समझ सकते हैं कि गैमीट्स प्रोड्यूस हो रहे हैं जयगोड प्रोड्यूस हो रहा है ठीक है एफ वन एफ टू प्लांट्स प्रोड्यूस हो रहे हैं कौन सा मैथड होता है तो सारे नाम जब अपन सुनते सुनते हैं बुलेट स्क्वायर पंच स्क्वायर नेट स्क्वायर पनेट स्क्वायर तो ये एक ऐसा क्वेश्चन था जिसको हर बच्चा कर सकता है बस उसने पढ़ लिया हो ये टॉपिक बिल्कुल ही छोड़ दिया हो कि नहीं मेरे को तो पढ़ना ही नहीं है ये चैप्टर पढ़ाएंगे तो मैं आऊंगा ही नहीं क्लास में उनका कुछ नहीं कह सकते जिन्होंने बस इसे पढ़ा भी है इवन ट्वेल्थ तो सबने दी है तो इसको कोई गलत नहीं कर सकता बाकी नाम ही ऐसे दिए हैं इसलिए बहुत ईजी हो जाता है पनेट स्क्वायर ठीक है बहुत ईजी हो जाता है पनेट स्क्वायर लगातार क्वेश्चन बन रहे हैं इस टॉपिक से ये भी पूछ लिया जा चुका है पहले ही प्रीवियस ईयर में कि पनेट स्क्वायर जिन्होंने दिया था वो कौन से कंट्री से बिलोंग करते हैं तो इवन इस टॉपिक से क्वेश्चंस आते रहते हैं ये अपन मान सकते हैं या ये कह सकते हैं कि जेनेटिक्स से अच्छे क्वेश्चंस आना तो बंद ही हो चुके हैं इस तरह के क्वेश्चन ही अब स्टार्ट हो चुके हैं जहां पर ऑप्शन को ही मॉडिफाई किया जाए द फैक्टर दैट लीड्स टू फाउंडर इफेक्ट फाउंडर इफेक्ट आते ही पहले भी पढ़ाया जा चुका है आपको बार बार यह चीज बोली जा चुकी है जैसे ही फाउंडर इफेक्ट की बात होगी जेनेटिक ड्रिफ्ट की बात होगी भाई कॉन्सेप्ट समझना है पूरा चीज समझनी है तो लेक्चर्स को आपको देखना होगा लेकिन यह डायरेक्ट बार बार बता दिया फाउंडर इफेक्ट आते ही कहां याद रखना है जेनेटिक ड्रिफ्ट और यह क्वेश्चन भी बन गया आपका ठीक है तो डायरेक्ट क्वेश्चन अपन ने जो बात की वो बन भी चुका ठीक है जो क्लास में बोलते हैं हम लोग वो चीज एज इट इज मिल जाती है नेक्स्ट बात कर लेते हैं क्या है Like, हो सकता है, को ट्रिकी बना सकते थे. लेकिन आगे लिख दिया, दिया प्रोड्यूस टू है सेम तरह के स्पोर्सो क्या बोलते हैं डिफरेंट टाइप के स्पोर्सो क्या बोलते हैं हेट्रो ये तो टर्म्स ही ऐसी है कि हम कई जगह यूज करते हैं ना केवल बायो में केमिस्ट्री में भी यूज करते हैं तो हेट्रो ये तो बहुत कॉमन टर्म्स है आप पहचान सकते हैं जब टू टाइप के स्पोर्स हैं तो हम उसको हेट्रोस्पोरस बोलेंगे तो यह भी एक ऐसा क्वेश्चन हो जाता है जिसको इजीली बच्चा कर सकता है केवल उसने ढंग से क्वेश्चन को पढ़ लिया तो भी तो इजी क्वेश्चन है हेट्रोस्पोरस अपन कहेंगे यहां पे हेट्रोसोरस वर्ड लिख करके कंफ्यूज किया गया था ठीक है स्पोरस बोलेंगे क्योंकि स्पोर के बारे में पूछा है तो कंफ्यूज नहीं होना है यहां पर ठीक है नेक्स्ट प्लांट्स फॉलो डिफरेंट पाथवेज इन रिस्पॉन्स टू तो भाई जब ग्रोथ और फेजेज ऑफ लाइफ टू फॉर्म डिफरेंट की बात कर रहे होते हैं चैप्टर क्लास की बुक का तो हमें स्टार्टिंग में ही जहां पे ग्रोथ के बारे में बात चल रही होती है वहां पर एक स्पेशल टॉपिक मिलता है एक छोटा टॉपिक मिलता है और वो प्लास्टिसिटी होता है जहां पे कुछ लीव्स की फोटो बनी हुई है आप ढंग से देखिएगा कॉरियडर भी है उसमें एनसीईआरटी की डायरेक्ट लाइंस भी है तो क्या हो जाएगा प्लास्टिसिटी को अपन बोलते हैं ये एबिलिटी ठीक है क्या होती है प्लास्टिसिटी ओके okay? तो एनवायरमेंट की वजह से भी होती है और इवन जब डिफरेंट डिफरेंट स्टेजेस आती है मिच्योर होते हैं तो उसकी वजह से भी होती है तो वो सब एग्जाम्पल्स आप पढ़ते हैं दिए हुए हैं आपके एनसीआरटी में डायरेक्टली आगे बढ़ते हैं अपन नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है जी विच ऑफ द फॉलोइंग आर नॉट सेकेंडरी मेटाबोलाइट इन प्लांट्स प्लांट्स में सेकेंडरी मेटाबोलाइट नहीं है इनमें से मॉर्फिन डायरेक्टली बात कर सकते हैं मॉर्फिन कोडीन क्या होता है भाई नॉट पूछा है सेकेंडरी मेटाबोलाइट होते हैं ना ये तो फिर विंड ब्लास्टिन होते हैं रबर गम्स होते हैं क्या बचा अमीनो एसिड एंड ग्लूकोज ये कोई सेकेंडरी मेटाबोलाइट थोड़ी है तो जैसे ही नॉट की बात आती है हमको क्या कहना है अमीनो एसिड एंड ग्लूकोज ये जो है ये सेकेंडरी मेटाबोलाइट नहीं है ठीक है आंसर हमारा यही हो जाएगा क्वेश्चन नेक्स्ट देख लेते हैं भाई क्या है तो नेक्स्ट क्वेश्चन में अपने को केवल पहचानना है ए बी सी डी यहां पे क्या है ठीक है ए बी सी डी को केवल आइडेंटिफाई करना था और कुछ भी नहीं है तो भाई ए जो आता है वो डीएनए के लिए यहां पे आ रहा है क्या बोलेंगे हम इसको आपको सबको पता होना चाहिए जब इस तरह से करते हैं डीएनए क्या बोलते हैं रैप्लीकेशन बोलते हैं आगे ट्रांसक्रिप्शन हो रहा है क्योंकि बी कहां पर बोला है डीएनए और एम के बीच में बोला है एमआरएनए और सी किसकी प्रेजेंस में ठीक है तो आपको बोला है आगे क्या हो है? क्या रहा है ठीक है और क्या बन रहा है ठीक है क्या हो रहा है प्रोसेस और क्या बन रहा है डी क्या बन रहा है जैसे एमआरएनए बना वैसे आगे क्या बनेगा तो अपने को पता है डीएनए से क्या बनता है

सी आंसर हो जाएगा इसका थर्ड आंसर हो जाएगा ठीक है आगे बढ़ते हैं जल्दी से देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है भाई नेक्स्ट क्वेश्चन ये है आपका कि व्हेन द सेंट्रोमियर इज सिचुएटेड इन द मिडल ऑफ टू इक्वल आर्म्स इजी क्वेश्चन पूछा है चार तरह के आपको कंडीशंस मिलती हैं आर्म्स को उसको देखना होता है सेंट्रोमियर की पोजीशन देखनी होती है ठीक है कौन सी आर्म बड़ी है छोटी है इक्वल है क्या है डायरेक्ट क्वेश्चन मिल गया आपको द द सेंट्रोमियर सिचुएटेड इन मिडल ऑफ टू इक्वल आर्म्स ऑफ द क्रोमोजोम हो जाएगा जब बीच में आ रहा है तो मेटा सेंट्रिक हो जाएगा भाई डायरेक्ट आंसर है इसका ठीक है जिनको कॉन्सेप्ट ही नहीं समझ में आता तो भाई पढ़ना पड़ेगा उनको तो जिनको आता है उनको डायरेक्ट आंसर मिल जाता है इसके लिए कोई बहुत बड़ा कोई ऐसी साइंस नहीं है कि अपने को समझ ही ना आए इजीली एक बार में समझ में आ जाती है डीएनए ट्रेंड ऑन अ जेल ऑरेंज जिसको बोलते हैंज या बोलते हैंज कलर के हैं। ब्रैंड खास करके कैसे ऑरेंज कलर के हम लोग बोल सकते हैं एक बैंड नजर आते हैं हमको खास करके जब भी हम डीएनए को देखते हैं कहां पर यूवी लाइट के अंदर ऐसा नहीं किसी और लाइट में देख सकते हैं तो नॉर्मली इस तरह का एक हम मशीन बोल सकते हैं एक इंस्ट्रूमेंट बोल सकते हैं जहां पे होता क्या है आपको यूवी लाइट देनी होती है आपको जो जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस आपने किया है उसके जेल को रखना होता है डीएनए उसमें है एथीडियम ब्रोमाइड डाय उसके अंदर ऑलरेडी है लाइट यूवी लाइट जैसे ही उस पर गिरती है आपको क्या नजर आता है आपको ऑरेंज बैंड नजर आते हैं जो ब्राइट ऑरेंज है क्यों नजर आ रहे हैं ऑरेंज बैंड्स क्योंकि एथिडियम ब्रोमाइड का जो कलर है वो पिंकिश ऑरेंज टाइप का होता है थोड़ा पिंक कलर थोड़ा सा इस तरह का और वाइट जो है आपकी जेल है डीएनए भी वाइट है जो जेल है वो भी व्हाइट है तो जब यह मिक्सअप होता है कलर तो ये ऑरेंज कलर निकल करके आता है ठीक है तो ऐसा ऑरेंज बैंड बन जाते हैं तो यहां पे क्या हो जाएगा ब्राइट ऑरेंज बैंड्स और बहुत बार क्वेश्चंस जब जिन भी बच्चों ने खास करके हमारी टेस्ट सीरीज दी है पहली बात टेस्ट सीरीज दी है दूसरी चीज महानीट हुआ था आपका दिया है तो आप ये पाएंगे सारे क्वेश्चंस लगभग आपको मिल चुके हैं सारे क्वेश्चंस फिर चाहे वो फिजिक्स हो केमिस्ट्री हो या बायो हो सारे क्वेश्चंस आपको ये दे दिए गए थे कभी किस टेस्ट में कभी कहा महानीट से केवल बॉटनी में पांच से छह क्वेश्चन आए हैं जाकर के चेक कर लो ये तो आपके पास पड़ा है विथ प्रूफ बोल रहा हूं मैं आपको जो महानीट है उस पर जाकर के एक बार क्रॉस चेक कर लेना जो बोला है कि ये आएगा भाई आया है ऐसा आता है आया है डायरेक्ट क्वेश्चन डायरेक्ट ऐसा भी नहीं है इनडायरेक्ट डायरेक्ट क्वेश्चन वही की वही तो इस तरह के क्वेश्चन ऑलरेडी दे दिए गए थे आपको उन टेस्ट के अंदर द साइट ऑफ परसेप्शन ऑफ लाइट इन प्लांट्स ड्यूरिंग फोटो पीरियोडिज्म अगेन 15 चैप्टर इलेवेंथ क्लास फोटो पीरियोडिज्म जो टॉपिक है उसमें अपन पढ़ते हैं स्पेसिफिकली कि ऐसा नहीं है कि ये फोटो पीरियड फ्लावरिंग से रिलेटेड है इसीलिए पॉइंट स्पेशल दिया गया है कि ऐसा नहीं है कि जो फ्लावरिंग से रिलेटेड फोटो पीरियडिज्म है तो फ्लावर होनी चाहिए साइट साइट नहीं sight होती है किसकी इस पर्टिकुलर जिसको अपन एक स्पेशल काइंड ऑफ केमिकल बोलते हैं उसकी परसेप्शन ऑफ साइट क्या है उसकी साइट क्या बोलते हैं हम हम कहते हैं लीफ होती है भाई क्या होती है लीफ होती है तो वही क्वेश्चन पूछ लिया गया द साइट ऑफ परसेप्शन ऑफ लाइट इन प्लांट्स ड्यूरिंग इज लीफ तो यहां पर लीफ होगा डायरेक्ट आंसर है अगर आप एन पढ़ चुके हैं तो आपको पता है डायरेक्ट आंसर है ये आगे चल रहे हैं क्या बात कर रहे हैं भाई यहां पे हम वेन जीन टारगेटिंग इन्वॉल्विंग जीन एम्प्लीफिकेशन इज अटेम्प्टेड इन एन इंडिविजुअल टिश्यू टू ट्रीट डिजीज अब देखिए यहां बच्चे कंफ्यूज हो सकते हैं दो ऑप्शन में एक है जीन थेरेपी एक मॉलिकुलर डायग्नोसिस सेफ्टी टेस्टिंग में बायोपायरेसिक में नहीं होंगे आप कंफ्यूज कैंसिल कर देंगे कहां पर कंफ्यूज होंगे जीन थेरेपी में होंगे मोलिकुलर डायग्नोसिस में होंगे अब मैं आपको बता देता हूं कैसे इसको क्लियर करना था यहां पर लिखा हुआ है इंडिविजुअल टिश्यू टू ट्रीट डिजीज इंडिविजुअल टिश्यू ये लाइन आपको एज एट इज कहां मिलेगी जीन थेरेपी में मिलेगी भाई कहां मिलेगी जीन थेरेपी में मिलेगी ठीक है जीन थेरेपी जो है वहां पर मिलेगी डायरेक्ट समझ लीजिएगा ये बात ओके तो जीन थेरेपी में आपको क्या करना है ये लाइन इंडिविजुअल टिश्यू वाली बात आ गई ट्रीट डिजीज वाली बात आ गई डायग्नोसिस में ऐसा टिश्यू के लिए अपन नहीं कर रहे पर्टिकुलर टिश्यू में नहीं डाल रहे हैं ठीक है उसको टारगेट नहीं कर रहे हैं बस ये डिफरेंस है जीन एप्लीकेशन वहां पे भी यूज होता है सब में नहीं सारी टेक्निक्स में नहीं जैसे आप पढ़ेंगे कि वहां पे अलाइजा भी एक टेक्निक है वहां पर यूज नहीं होता है कोई एम्प्लीफिकेशन तरीके से ठीक है लेकिन पीसीआर में भी होता है तो कहीं होता है कहीं नहीं होता है, ऐसा कह सकते हैं तो इसलिए कंफ्यूज नहीं होना था यहां पे जीन थेरेपी रहना था आंसर ये मैं आपको बता देता हूं आंसर क्या होगा भाई जीन थेरेपी होगा ठीक है फिजिक्स का भी लाइव हमने स्टार्ट किया हुआ है हमारे ही चैनल पे इसी डिस्कशन के लिए ठीक है इसी पेपर के डिस्कशन के लिए नीट टू फिजिक्स का पेपर हमने लाइव किया हुआ है अभी डिस्कशन चल रहा है ठीक है आप वो भी देखेंगे नेक्स्ट क्या है भाई नेक्स्ट ये है कि विच ऑफ द फॉलोइंग प्लांट्स इज मोनोशियस इनमें से मोनोशियस कौन सा है तो आप याद करिए ट्वेल्थ क्लास के अंदर एक डायग्राम बना हुआ है 11th का टॉपिक जरूर है लेकिन ट्वेल्थ में डायग्राम बना हुआ है कारा का जहां पे मेल और फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट नजर आते हैं याद करिएगा वही है एंथ्रीडियम और उगोनियम जो आपको दिखते हैं या आर्चीगोनियम जिसको बोलते हैं तो क्या होता है भाई जैसे ही हम देखते हैं कि कैसे अलग अलग आर्चीगोनियम बना हुआ है वहां पे ठीक है तो अलग अलग जैसे ही हम रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर उस डायग्राम में देख पा रहे हैं उसी से पता चल रहा है कि ये क्या है मोनोशियस है कौन कारा इसलिए आंसर क्या हो जाएगा यहां पे कारा उससे आप पहचान सकते हैं ये आपको मैंने एक बात बता दी है ठीक है नेक्स्ट क्या है भाई विच ऑफ फॉलोइंग इज नॉट एन एप्लीकेशन ऑफ पीसीआर पीसीआर की एप्लीकेशन नहीं है मैंने आपको बता दिया था देख लो पीसीआर पहले भी डिस्कस हुआ है डायरेक्ट पीसीआर से एक और क्वेश्चन आया है देख लीजिए क्या नहीं है इनमें से मॉलेक्र डायग्नोसिस पीसीआर में आता है

कोड को अपन कह सकते हैं एम टू कोड के अकॉर्डिंग क्वेश्चन को आपके पास में जो भी है आप उसको फाइंड आउट कर लिया करें जब भी आता है वो क्वेश्चन आगे पीछे देख लिया करें कहां पे है और उसके बाद उसको सॉल्व करने लगे अगेन मैज द फॉलोइंग है क्रिस्टी क्या होते हैं भाई इनफोल्डिंग होती है माइटोकॉन्ड्रिया में तो अपन जैसे ही बोलते हैं क्रिस्टी हम क्या बोलेंगे यहां पर इनफोल्डिंग इन माइटोकॉन्ड्रिया क्या एक ही बार से बन रहा है क्या बिल्कुल देखिए केवल एक में ही है थर्ड डायरेक्ट आंसर बन जाता है फिर भी आगे देख लेते हैं थाइड क्या होते हैं फ्लैटेंड मेम्रिन्स सेकेंड स्ट्रोमा ऑफ प्लास्टि ठीक है फिर क्या आता है सेंट्रोमियर पूछ लिया तो क्रोमोजोम में अपन क्या बोलते हैं प्राइमरी कॉन्स्ट्रक्शन का काम करते हैं ये फिर बात कर लेते हैं क्या सिस्टर ने अगेन क्या बोलेंगे कहां पे होते हैं गोलजी अपेरेटस में होते हैं ठीक है सिस्टर ने क्या है डिस्टेप्ड सेक है कहां पे गोलजी अपेरेटस में है तो वैसे तो एक ही बार से बन गया था आंसर केवल फर्स्ट से ही थ्री फोर वन टू

ये महानीट से उठा करके डायड अल्फा स्टेम आर इन तो क्या आ जाएगा आंसर में पी हो जाएगा भाई डायरेक्ट क्वेश्चन मिल गया है अपने महानीट से यह ठीक है थीके? आगे बढ़ते हैं प्रोटोप्लास्ट फ्यूजन अगेन मैच द फॉलोइंग करना है हमको प्रोटोप्लास्ट फ्यूजन जो है वो क्या है पोमेटो ठीक है पोमेटो एग्जाम्पल है जहां पे प्रोटोप्लास्ट को फ्यूज किया गया दो को ठीक है दो को मिलाकर के फ्यूज किया था क्या बना था पोमेटो बना था ठीक है पोटैटो और आ, टोमेटो को जब अपन ने फ्यूज किया उसको प्रोटोप्लास्ट फ्यूजन किया तो पोमेटो बना इसी तरीके से प्लांट टिश्यू कल्चर में क्या होता है टोटीपोटेंसी यूज किया है महानीट में डायरेक्ट क्वेश्चन अपन ने टोटिपोटेंसी पे ठीक है सेंट्रोमियर सेंट्रोमियर के लिए हम क्या बोलेंगे सॉरी मैं दूसरे क्वेश्चन को देखने लग गया था सॉरी मेरिस्टम कल्चर की बात करते हैं क्या है वायरस फ्री प्लांट्स को अपन बोल सकते हैं क्या बोलते हैं अगर हम मेरिस्टमेटिक कल्चर को बोल रहे हैं तो हम क्या कहते हैं मेरिस्टमेटिक कल्चर में वायरस फ्री प्लांट्स यानी ये डिजीज फ्री अपन ये बोल देते हैं हम कहते हैं कोई भी डिजीज फ्री खासकर वायरस फ्री प्लांट अगर अपने को ऑप्टेन करना है तो कौन सा पार्ट लेना होगा तो हम मेरिस्टम ले सकते हैं लिखा हुआ है आपके एनसीआरटी में एक्सिलरी भी ले सकते हैं आप कल भी ले सकते हैं कोई भी मेरिस्टम यूज कर सकते हैं क्योंकि हमको क्या करना है वायरस फ्री खासकर या डिजीज फ्री प्लांट्स ऑप्टेन करने हैं ठीक है माइक्रोस प्रोपगेशन किसके लिए अपन क्या कहेंगे सोमा क्लोनल या सोमा क्लोन्स बनते हैं ठीक है सोमा क्लोन्स यानी सोमैटिक हाइब्रिड से बने हुए जो क्लोन्स है माइक्रो प्रोपेगेशन के अंदर बनते हैं तो क्या बन जाता है भाई यहां पे अगेन पहली बार में ही अपने को मिल जाता पहली बार में ही बन रहा था ठीक है फर्स्ट टाइम में ही आपको मिल रहा था डायरेक्टली एक एक पॉइंट पे यही मैंने आपको कहा एक ही बार में अपन मिल पा सकते हैं अपना आंसर इतना नीट इजी बनाता है चीजों को आगे क्या है अमेंसलिज्म कैन बी रिप्रेजेंटेड एज अमेंसलिज्म में क्या होता है जी आपको अलग अलग तरह की इंटरक्शन बताई हुई है और प्लस माइनस जीरो स्पीशीज जो है उसे हार्म होता है जबकि दूसरी जो स्पीशीज है दैट रिमेनअेक्टेड एक को तो हार्म हो जाता है दूसरी अन जाती है उसको बोल देते हैं अमेन्सलिज्म क्या पूछा था ऑप्शन में डायरेक्ट लिखना था अपने को माइनस जीरो कहां लिखा हुआ है माइनस जीरो पहले ही ऑप्शन में था ये हो गया आंसर बस इतना इजी ठीक है आगे बढ़ते हैं जी आगे बढ़ते हैं क्या है विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन इनकरेक्ट स्टेटमेंट क्या है ये इनकरेक्ट स्टेटमेंट है इनकरेक्ट स्टेटमेंट क्या है मिच्योर सीव ट्यूब एलिमेंट पॉजेज अस न्यूक्लियस एंड साइटोप्लाज्मिक ऑर्गेनल्स जबकि हम क्या बोलते हैं चौर सीव ट्यूब एलिमेंट्स के लिए क्या बोल देते हैं हम क्या उनमें हम न्यूक्लियस ढूंढ पाते हैं क्योंकि सीव ट्यूब की बात कर रहे हैं हम ठीक है सीव ट्यूब एलिमेंट्स की बात कर रहे हैं हम पे तो हम क्या बोलते हैं हम कहते हैं नहीं इनके अंदर न्यूक्लियस नहीं होता है कंपेनियन सेल्स में होता है तो यहीं पर इनकरेक्ट हो जाएगा पहला ही स्टेटमेंट आगे वालों को भी आप चेक कर सकते हैं ठीक है तो वहां पर आपको सब चीजें सही ही मिलेगी पहला ही आपको यहां पे गलत मिल जाता है आगे बढ़ते हैं भाई नेक्स्ट क्या पूछा था इजी क्वेश्चन था टिपिकल एनजीओ स्पम एम्ब्रियोसेक एट मेचोरिटी कैसा होता है सेवन सेल डेट न्यूक्लिएट होता है अब उल्टा लिखा हुआ है कोई बात नहीं एनसीआरडी ने भी एक्चुअली यही लिखा हुआ है एट न्यूक्ट एंड सेवन सेल हम बोलते हैं ऐसा सेवन सेल डेट न्यूक्ट एनसीआरडी ने तो ऐसा ही लिखा है एट न्यूक्ट एंड सेवन सेल तो यही आंसर है ठीक है डायरेक्ट है आपको कॉन्सेप्ट पता है तो आप जानते हैं किस तरीके से सेवन सेल्स बनती है कैसे एट न्यूक्लियस होते हैं ये सब आप जानते हैं एक एम्ब्रियोसेक में मेच्योर एम्ब्रियोसेक में और ये बहुत बेसिक क्वेश्चन है ठीक है फॉलोइंग एलगी कंटेन्स मैनेटॉल एज रिजर्व फूड मटीरियल रिजर्व फूड मटीरियल मैनेटॉल है जैसे ही मैनेटॉल का नाम आता है क्या आना चाहिए दिमाग में फीओ फाइसी यानी कि ब्राउन एलगी आनी चाहिए दिमाग में जैसे ही मैनेटॉल आता है रिजर्व फूड मटेरियल क्या बोलेंगे फीओ फाइसी यानी ब्राउन एलगी की बात करेंगे ब्राउन एलगी या फीओ फाइसी भाई कहां पे? एग्जांपल्स में देख लें कि अपन कौन सा इनका मेंबर है तो भाई जैसे ही अपन ने देखा एक्टो का आपस पहला ऑप्शन ही दिख रहा है तो ये तो मेंबर है ना फीओ फाइसी का पहला ही ऑप्शन अपने को मिल जाता है आगे बढ़ने की जरूरत ही नहीं होती है जैसे ही अपने को ऑप्शन दिख जाएगा तो आंसर क्या हो जाएगा इसका एक्टो का आपस हो जाएगा आगे बढ़ते हैं भाई क्या है नेक्स्ट ये है कि द प्लांट हॉर्मोन यूज टू डिस्ट्रॉय वीड्स इन अ फील्ड तो आपको जैसे ही वीड्स की बात आती है टू फोर डी याद आना चाहिए जो कि एक सिंथेटिक ऑक्सीजन है और लिखा हुआ भी है एनसीआरटी में कि ये मेनली डायकॉट वीड्स को हटाने में यूज में आता है मोनोकॉट वीड्स को ज्यादा हम नहीं करता है उसमें नहीं यूज होता डायकॉट वीड्स के लिए है तो वीड्स के लिए जैसे अपन नाम लेंगे क्या बोलेंगे टू फोर डी तो डायरेक्ट आंसर मिल जाएगा अगेन आपको पता होना चाहिए पढ़ा होना चाहिए डायरेक्टली आप इसको आंसर कर लेंगे नेक्स्ट चलते हैं क्या द अमाउंट ऑफ न्यूट्रिय अगेन डायरेक्ट क्वेश्चन ऑफ महानीट कहा का महानीट में डायरेक्टली हमने पूछा था ये क्वेश्चन ये की है। और मैंने इसको समझाया भी था कि स्टैंडिंग स्टेट और स्टैंडिंग क्रॉप में क्या डिफरेंस होता है बच्चों कब क्या लिखना है ये भी मैंने बताया था जाकर के देख लेना उस वीडियो को ठीक है तो क्या है भाई स्टैंडिंग स्टेट और स्टैंडिंग क्रॉप में से क्योंकि हमको पूछा क्या अमाउंट ऑफ न्यूट्रिय एज कार्बन नाइट्रोजन फॉस्फरस एंड कैल्शियम प्रेजेंट इन द दॉइल एट एनी गिवन टाइम क्या बोल देंगे स्टैंडिंग स्टेट बोल देंगे ट्रॉफिक लेवल की बात होती स्टैंडिंग क्रॉप हो जाती ये सब बता चुका हूं मैं महानीट में वापस से पढ़ाने के बाद भी इजी क्वेश्चन था डायरेक्ट क्वेश्चन था म्यूटेशन इन प्लांट सेल्स कैसे अपन इंड्यूस कर सकते हैं इसे तो भाई गामा रेस से इंड्यूस कर सकते हैं ठीक है म्यूटेशन जब आप नाइन्थ चैप्टर ऑफ ट्वेल्थ क्लास देखते हैं वहां पर भी आप देखते हैं म्यूटेशन ब्रीडिंग भी देखते हैं म्यूटेशन ब्रीडिंग में भी आप बात करते हैं गामा रेस सब कुछ लिखा हुआ है ठीक है तो ये वहां से आप इसको आंसर कर सकते थे नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं जी नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट क्या बोला नॉट करेक्ट की बात कर लिए नॉट करेक्ट क्या है पिरामिड ऑफ बायोमास इन सी इज जनरली इन्वर्टेड ये तो सही बात है जनरली सी में कैसा होता है बायोमास का अगर, अगर अपन पिरामिड की बात करें इन्वर्ट ही तो होता है पिरामिड ऑफ बायोमास इन सी इज जनरली अपराइट तो जब इन्वर्ट होता है तो अपराइट तो नहीं हो सकता तो डायरेक्टली सेकंड स्टेटमेंट को पढ़ के अपन कह सकते थे कि पहला करेक्ट है तो दूसरा इनकरेक्ट हो जाएगा ठीक है आगे एनर्जी की बात की हमेशा अपराइट होता है और नंबर का ग्रासलैंड में अप्राइट ही होता है तो बाकी के सही है भाई इन द इक्वेशन जीपीपी माइनस आर इजिकल्स टू एनपीपी आर रिप्रेजेंट आर क्या है यहां पे तो हमको पता है आर क्या होता है ये ग्रॉस प्राइमरी प्रोडक्टिविटी है माइनस रेस्पिरेटरी लॉस बराबर नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी तो आर क्या हो जाता है रेस्पिरेटरी लॉस हो जाता है यही तो पूछा है और पूछा क्या है हमसे तो सीधा सीधा अपने को देखना है रेस्पिरेशन लॉस या रेस्पिरेटरी लॉस रेस्पिरेशन लॉस अपने को करना है आंसर डी हो जाएगा ठीक है नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं इकोसिस्टम में अपने को वो मिलता है पॉइंट जो अभी अपन ने बात की थी विच ऑफ द फॉलोइंग एल की प्रोड्यूस कैराजीन वापस उठाना महानीट ठीक है महानीट उठाना भाई और क्या करना क्वेश्चन को आप देखना दिया क्या था हमने हमने प्रोड्यूस करने के लिए कहा था वहां पे एलगिन लेकिन मैंने जो उसको डिस्क्राइब किया था यह कहा था कि एल्गिन यहां लिखा हुआ है नीट के पेपर में आपको कैराजीन मिल सकता है यह लाइन मैंने यूज कर दी है भाई वहां पे कि नीट के पेपर में कैराजीन मिल सकता है उसमें अपन को रेड एलगी लगाना पड़ेगा जब हम एलगिन की बात कर रहे हैं हम ब्राउन एलगी की बात कर रहे हैं यहां पर कैराजीन पूछा था क्या हो जाएगा भाई डायरेक्टली आंसर रेड एलगी डायरेक्ट आंसर हो जाएगा डिस्कस हो चुका है महानीट पे डायरेक्ट पूछ लिया इसीलिए मैं कह रहा हूं महानीट एक पेपर था पचास क्वेश्चन थे बॉटनी के पचास जोलॉजी के पचास फिजिक्स के पचास केमिस्ट्री के डायरेक्ट क्वेश्चन कितने सारे आए हैं महानीट से तो आप खुद सोच सकते हैं कि ये वो टीम है जो कितनी मेहनत करती है इनके सोचे हुए क्वेश्चन की ये आ सकते हैं और वो नीट में आए हैं इतनी बड़ी बात तो हमारे जिन्होंने टेस्ट सीरीज दी है दस पंद्रह बीस क्वेश्चन चैप्टर जो टेस्ट दिए हैं अलग अलग माइनर मेजर सोचिए उनका क्या हुआ होगा उनको सारे के सारे टू हंड्रेड क्वेश्चन मिले हैं ये मैं आपको लिख करके देने को तैयार हूं और इसके प्रूफ भी दे सकता हूं मैं आपको सारे के सारे क्वेश्चंस उनको मिले हैं नेक्स्ट <coughs> क्वेश्चन क्या है भाई नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि द फर्स्ट टेबल प्रोडक्ट ऑफ सीओ टू फिक्सेशन इन सोर्गम जैसे ही हम सॉर्गम की बात कर लेते हैं जैसे ही हम सौर्गम की बात कर लेते हैं हमें सी प्लांट की बात करनी है C3 नहीं C4 फोर प्लांट अब बात यह आ गई क्वेश्चन अब ऐसा बन गया कि फर्स्ट टेबल प्रोडक्ट ऑफ CO2 टू फिक्सेशन इन सी फोर प्लांट अरे भाई एक टेबल बनी हुई है इस चैप्टर चैप्टर में 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 फोटोसिंथेसिस के के लास्ट टेबल बनी हुई है C3 C4 प्लांट्स लिए उससे क्वेश्चन आता ही आता ही है वहीं से ये डायरेक्टली बस आपको ये पता होना चाहिए कि सौरगम क्या है सी फोर प्लांट है उसके बाद ईजी हो जाती है चीजें फर्स्ट टेबल प्रोडक्ट क्या होगा सीओ टू में फिक्सेशन के लिए ऑक्जेलो एसिटिक एसिड ओ ए बोलते हैं फोर कार्बन होता है इसीलिए तो सी है ठीक है तो इसीलिए ये फर्स्ट टेबल प्रोडक्ट क्योंकि फोर कार्बन है इसलिए अपन इसको क्या बोलते हैं सी फोर प्लांट ठीक है plant, तो ये हो गया नेक्स्ट नेक्स्ट में क्या है भाई तो 135 एक तो क्वेश्चन पे आ चुके हैं अपन जो कि सेक्शन ए है बॉटनी का बॉटनी का भी सेक्शन ए है जो कंपलसरी क्वेश्चंस थे उनमें से है क्या है लेंटिसल्स मैच द फॉलोइंग में अपने को करना है लेंटी सेल्स क्या होता है किस काम आते हैं भाई तो लेंटी सेल्स का का काम ही होता है एक्सचेंज ऑफ गैसेस क्या इसी से बन जा रहा है आंसर बिल्कुल इसी से आंसर बन जा रहा है एक ही बार से आपका आंसर सीधा सीधा बन जाता है फिर कॉ कैम्बियम को और किस नाम से जानते हैं आप कॉर कैम्बियम है तो फेलोजन क्या देंगे ठीक है सेकेंडरी कॉर्टेक्स को क्या बोल देंगे आप सेकेंडरी कॉर्टेक्स है क्या बोल देंगे तो भाई इसे आप क्या बोलना चाहिए अपने को डायरेक्ट आंसर आपको सोच लेना है क्या बोलना है फेलो डर्म किसके लिए यूज होता है फैलोजन किसके लिए यूज होता है सब चीजें अपने को पता होनी चाहिए और कॉर्क में क्या है सुबेरिन डिपोजिशन है यहां ये यह नहीं पूछा कि इसको क्या बोलते हैं ये पूछ लिया कि कैसा है सुबेरिन का डिपोजिशन है बस डायरेक्टली तो क्या बन जाएगा अपना पहली बार में आ रहा था आंसर तो क्या था वन का थ्री था यानी कि थ्री वन फोर टू एक ही बार में बन रहा था एक ही बार में बन रहा था ये ठीक है थ्री वन फोर टू तो ये एक ही बार में बन जाता था मैंने कहा आपको टाइम सेव करना होता है नीट में सबसे बेस्ट होता है एक ही बार में कर लो सारों को मैच करने से आपको टाइम ज्यादा लग जाता है अब देखिए जो एनालिसिस मैंने किया और हो सकता है कि फिजिक्स केमिस्ट्री जोलॉजी में भी आपको यही चीज बताएंगे आपने भी एनालाइज किया होगा कि क्या है बॉटनी हमने 35 क्वेश्चन देखे कंपैरेटिवली इजी क्वेश्चन थे ये जो 15 क्वेश्चन है यहां पे अच्छा खासा मॉडरेट क्वेश्चंस दिए हैं क्वेश्चन का लेवल इंक्रीज कर दिया है क्योंकि ऑप्शन भी थे छोड़ने के लिए ऐसा ही बाकी सेक्शन में भी किया है ये बात हम पहले ही कह चुके थे जब नीट ने पैटर्न किया था हमने तब भी कहा था कि ऐसा पॉसिबल है कि 35 35 क्वेश्चन इजी हो बिल्कुल और बाद के 15 क्वेश्चन में आपको लेंदीनेस ट्रिकीनेस या मॉडरेट क्वेश्चन मिले और वही हुआ है ठीक है अब देख लेते हैं इसको फटाफट से वन थर्टी सिक्स नंबर क्वेश्चन क्या है भाई विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट इनकरेक्ट पूछा है अपने से इनकरेक्ट क्वेश्चन क्या है

एन ए प्लस एच प्लस क्या करता है यहां पे थ्री ए टीपी होना चाहिए था और जब हम एफ ए डी एच टू की बात कर रहे हैं तो क्या होना चाहिए था टू ए टीपी होना चाहिए था तो ये एक हम स्टेटमेंट गलत बोल देंगे यहीं से इसी पॉइंट से अपन कह देंगे कि ये गलत है आगे के पॉइंट्स को देखेंगे तो वो करेक्ट ही निकलेंगे स्टेटमेंट हम वहां टाइम नहीं लगा रहे हैं आप उसको चेक भी कर सकते हैं ठीक है नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं जी क्या है मैच कॉलम वन एंड विथ कॉलम टू अगेन कॉलम मैच करना था आपको देखिए यहां मैं क्लास में भी बच्चों को डायरेक्ट ट्रिक देता हूं क्योंकि अगर ऐसा आ जाए तो अपने को टाइम वेस्ट नहीं करना चाहिए वैसे अपने को आना चाहिए सब चीजें आनी चाहिए यहां आते ही बहुत ईजी कर लेना चाहिए कैसे ये नीचे जो लिखे हैं उनको अगर ऐसे सोचो आपकी वो नंबर है कोई कोई मोबाइल नंबर कोई छोटा सा नंबर तो आप कैसे बोलते हैं आप ये कहते हैं कि फाइव वन टू टू नाइन वन वन जैसे ही ये नाइन वन वन की बात आती है क्या बोलना चाहिए आपको कह देना चाहिए कि ये फैबेसी का नंबर है भाई ट्रिपल फाइव टू ट्रिपल फाइव टू किसका नंबर होता है सोलेन एसी का नंबर होता है अब पी कहां पे आता है बाकी जगह पे पेरियंट थे ही नहीं अपने सिलेबस में केवल लिलियसी फैमिली में और उसका नंबर भी क्या है थ्री 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 आते ही अपन क्या कर देते हैं लिली लगा देते हैं इसके अलावा क्या होता है टू टू फोर टू फोर टू आप कहेंगे कि सर फैमिली तो तीन ही दी हुई है अरे भाई उससे पहले डिस्क्रिप्शन दिया हुआ है एक डायग्राम बना हुआ है और एक फ्लोरल फॉर्मूला दिया हुआ है ढंग से पढ़ो वो इसी का दिया हुआ है और लिखा हुआ भी है कि ये ब्रेसिकेसी फैमिली है और टू टू फोर टू फोर टू ऐसा टू फोर टू फोर अगर चल रहा है नंबर में तो ये एक ट्रिक जनरल अपन बोल सकते हैं क्वेश्चन को इजी बना लेने के लिए फास्ट कर देने के लिए तो डायरेक्ट आप मैच कर लेते क्या बन जाता है भाई इससे थ्री फोर टू एंड वन थ्री फोर टू वन पहला ही ऑप्शन और अगेन पहली बार में हो जाता है केवल थ्री देखते ही हो जाता है ये पूरा तो ये तो नीट करता ही है कि एक बार में आपका आंसर बन जाता है तो आगे भी ये ध्यान रखिए बच्चे ठीक है अपने फ्रेंड्स को भी यही बताएं कि ये बहुत इजी डायरेक्टली ट्रिक होती है पहला ही देखो और लगा दो आगे के मैच कर लो टाइम ज्यादा मत लगाओ आप ठीक है फिर से मैच द कॉलम का ही क्वेश्चन है क्या है भाई एस फेज जी टू क्वेशन स्टेज और जीवन ठीक है एस फेज क्या है एस फेज में क्या होता है सबको पता है डीएनए डीएनएन और ये आता ही आता है एस फेज में डीएनए एप्लीकेशन होना है आता ही आता है महानीट में भी हमने ये पूछा था ये चीज ठीक है फिर डायरेक्टली क्या है भाई जी फेज जी में क्या होता है प्रोटीन सिंथिसाइज होते हैं ठीक है थीके? फिर क्या है क्वेश्चन स्टेज आते ही आपको क्या कहना होता है क्वेश्चन स्टेज के लिए एक ही बात करनी होती है यहां पे भी लिखी हुई है inactive. तो जीवन के लिए अपन को यहां पे क्या कहना है, यह है तो तो देखिए यहां पर दो बार में बन रहा है स्टार्टिंग फोर फोर दो जगह है तो जैसे ही दूसरा देखोगे आंसर बन जाएगा बस इतना ईजी होता है ये ध्यान रखिएगा बस आप ठीक है नेक्स्ट क्या है मैंने कहा थोड़े ट्रिकी क्वेश्चन अच्छे दिए हैं तो क्या दिया था यहां पर आपको छोड़ भी सकते थे आप प्लाजमेट पीबीआर थ्री ट्वेंटी बात कर रहे हैं यहां पर होती है ए एम पी आर ठीक है यहां पर क्या होती है ए एम पी आर साइट होती है ठीक है यहां पर क्या किया है आगे लिखा हुआ है विद इन जीन ए एम पी आर

एंटीबायोटिक किस से किससे सेन एंटीबायोटिक से इसकी रेजिस्टेंस खत्म हो जाएगी अब अपन आगे पढ़ लेते हैं क्वेश्चन को इट विल नॉट बी एबल टू रेजिस्टेंस टू द होस्ट सेल यही बात यही, यही तो आपने बोला अगर ऐसा होता है तो वो उस पर्टिकुलर एम जो भी एंटीबायोटिक है उससे अपनी रेजिस्टेंस खो देता है तो ये पहला ही ऑप्शन बन जाता है ठीक है आगे अगर पढ़ते हैं अपन द ट्रांसफॉर्म सेल्स विल हैव द एबिलिटी टू रेजिस्ट एम्पिसिन एज वेल एज प्रोड्यूस बीटा गलेक्टोसाइड ऐसा थोड़ी करता है कोई बीटा इलेक्ट्रोसाइडेज भी बना रहा है और एम्पिसलिन भी बना रहा है लाइसिस हो जाएगा हॉस्टेल का नहीं क्यों होगा इट विल बी एबल टू प्रोड्यूस अ नोवल प्रोटीन नोवल प्रोटीन तो तब बनेगा ना जब वो उसके अंदर पहुंचा होगा पहुंचेगा ही नहीं क्योंकि रेजिस्टेंस रेजिस्टेंस जो है वो रेजिस्टेंस ही खत्म कर देगा उसकी ठीक है तो रेजिस्टेंस ही खत्म हो जाएगी ये अपन कह सकते हैं तो आगे क्या कह रहा है ये तो एम्पिसलिन रेजिस्टेंस नहीं रहने देगा ये ये अपन कह सकते हैं ओके okay. आगे क्या बात कर रहे हैं भाई हम आगे हम ये कह रहे हैं कि आइडेंटिफाई द करेक्ट स्टेटमेंट ठीक है करेक्ट स्टेटमेंट हमको आइडेंटिफाई करना है क्या करना है इन कैपिंग मिथाइल ग्वेनोसिन ट्राइफॉस्फेट इज एडेड टू द थर्ड एंड ऑफ द एच एनआर क्या होना चाहिए था यहां पे फाइव डैश एंड होना चाहिए था क्या होना चाहिए था बाकी सब कुछ ठीक लिखा है बाकी फाइव डैश एंड होना चाहिए था थ्री डैश एंड पे तो अपन क्या कहते हैं पॉली एडिनाइल टेल होती है ना तो यहां पर क्या होना चाहिए था फाइव डैश होना चाहिए था तो ये पॉइंट गलत हो गया सेकंड क्या है पॉलीमरेज बाइंड विद रो फैक्टर टू टर्मिनेट द प्रोसेस ऑफ ट्रांसक्रिप्शन इन बैक्टीरिया ये बात तो सही है ठीक है तो सेकंड पॉइंट अपना करेक्ट स्टेटमेंट बन गया आगे का पढ़ेंगे तो कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ, कुछ गलत ही निकलेगा क्योंकि अपन ने करेक्ट स्टेटमेंट यहां पे पहचान लिया टाइम अपने को बचाना होता है ठीक है साथ ही साथ आगे बढ़ रहे हैं नाव डेज इट इज पॉसिबल टू डिटेक्ट द म्यूटेटेड जीन कॉजिंग कैंसर बाय अलाउंग रेडियो एक्टिव प्रोप टू हाइब्रिडाइज द कॉम्प्लीमेंट्री डीएनए इन अ क्लोन ऑफ सेल्स फॉलोड बाई इज डिटेक्शन यूजिंग ऑटो रेडियोग्राफी बिकॉज अब कई बच्चे तो ये कहेंगे कि नहीं सर ये तो पता नहीं कहां से दे दिया ट्रिकी है बहुत ज्यादा मॉडिफाई किया है क्वेश्चन को अच्छा बनाया गया है कुछ नहीं है आपके एनसीआरटी की लाइन है कहां है तो जब आप बायोटेक्नोलॉजी की एप्लीकेशन देखते हैं एप्लीकेशन ऑफ बायोटेक्नोलॉजी चैप्टर में मोलिकुलर डायग्नोसिस देखते हैं तो वहां पर आप क्या पढ़ते हैं ऑटो रेडियोग्राफी की बात करते हैं वहां पे क्या ऑटो रेडियोग्राफी की बात करते हैं वहां ये लाइन लिखी हुई है बहुत बड़ा टॉपिक भी नहीं है तीन चार लाइंस में कंप्लीट किया हुआ है वहां लिखा है कि क्या होगा म्यूटेटेड जीन की वजह से जब अपन इसको अपन फोटोग्राफिक प्लेट पे देखेंगे तो ये नहीं शो होता है क्योंकि उसका कोई कॉम्प्लीमेंट्री है ही नहीं ठीक है ये सब अब एनसीआरटी से डायरेक्टली लाइन है और इसको हम समझाते भी है जब हम उसको कॉन्सेप्ट को बताते हैं प्रॉपर बता करके कि कैसे फोटोग्राफिक फिल्म यूज होती है उस पर कैसे सिल्वर का यूज होता है ये सब क्लास में बताया जाता है अभी के लिए मैं आपको कहूंगा डायरेक्ट लाइन है एनसीआरटी की क्या है भाई तो म्यूटेटेड जीन डज नॉट अपियर फोटोग्राफिक फिल्म एज द प्रोब हैज नो इट तो ये हो जाएगा थर्ड आंसर डायरेक्ट एनसीआर में आपको मिल जाएगा डायरेक्ट लाइन में ठीक है फिर हम क्या बात कर लेते हैं 142 में एक्सपोनेंशियल ग्रोथ इक्वेशन में एनटीजिक टू एन जीरो भी बता दिया ई आर टी में e क्या कर रहा है e किसको रिप्रेजेंट कर रहा है e का मतलब क्या है ये पूछा है तो e को क्या बोलते हैं हम बेस ऑफ नेचुरल लॉगरिथम अब यहां पे दो चीजों ने कंफ्यूज किया है बच्चों को एक का है एक्सपोनेंशियल लॉगरिथम एक नेचुरल अब यहां बच्चे गलती करके आ सकते हैं तो भाई ढंग से पढ़ लिया करो छोटी-छोटी चीजें होती है ये तो ई क्या है ये तो वैसे भी पता होना चाहिए क्या है नेचुरल लॉगरिथम है ना कि एक्सपोनेंशियल लॉगरिथम भाई ये ध्यान रखना है अपने को बहुत छोटी-छोटी चीजें हैं ये ठीक है आगे बढ़ते हैं

उससे पहले क्या था इंटरफेशिकुलर कैंबियम था जाइलम फ्लोएम ठीक है उसके बीच में कैंबियम होता था वो इंटरफेशिकुलर था लेकिन जब ये मेडुलरी रेज ने क्या बनाया इस तरह की सेल्स ने उसके एक रिंग बना दी तो उस रिंग के बाद में अपन उसको क्या बोल पाते हैं उसके बाद अपन उसको बोल सकते हैं एक इंटरफेशिकुलर कैंबियम तो क्या हो जाएगा डायरेक्टली आंसर थर्ड बन जाएगा ठीक है आगे बढ़ते हैं भाई क्या है सो इन सम मेंच ऑफ द फोइंगीज पॉलन ग्रेन रिटेन देर वायबिलिटी फॉर मंथ आफ्टर रिलीज डायरेक्ट लाइन एनसीआरटी की कहा मिलेगी सेकंड चैप्टर ऑफ ट्वेल्थ क्लास यानी सेक्शुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स वहां पे लिखा हुआ है ये कि वायबिलिटी जहां पर दी हुई है पॉलनग्रेन्स की वहां पर बताया हुआ है कि किसमें सालों लग जाते हैं ये उसमें लिखा हुआ है कि कहीं तो सिंगल दिन में ही हो जाती है कुछ घंटों में ही हो जाती है विद इन आवर्स कुछ आवर्स में ही हो जाती है ठीक है जबकि कुछ में क्या होता है के बहुत सालों तक रहती है तो ये वहां पर यही पूछा था कि मंथ्स ले लेते हैं वो क्या है रोजेसी एंड लेग्यूमिनोसी फैमिली लिखा हुआ है एनसीआर में रोजेसी एंड लेग्यूमिनोसी फैमिली ठीक है राइस वीट का दिया हुआ है कम के लिए इन आवर्स डेज अपन सिंगल डे में कह सकते हैं या आवर्स में बोल सकते हैं तो किसका नाम आता है हम कहते हैं राइस वीट का यहां पे है रोजेसी एंड लेग्यूमिनोसी आगे बढ़ते हैं भाई क्या आगे पूछा है व्हाट इज द रोल ऑफ आर एन ए पॉलिमरेज थ्री इन द प्रोसेस ऑफ ट्रांसक्रिप्शन इन यू कैरियॉर्ड्स थ्री का रोल अपने से पूछा है क्या आर एन ए पॉलिमरेज थ्री का रोल पूछा है यू कैरियॉर्स में ट्रांसक्रिप्शन में यू कैरियॉर्स भी साथ में याद रखना है क्या है भाई पहला ऑप्शन ट्रांसक्राइब्स आर आर एन ए ट्वेंटी एट एटीन एंड फाइव पॉइंट एट किसका काम है पॉलीमरेज वन का काम है ये तो पॉलीमरेज वन का काम है नेक्स्ट क्या है ट्रांसक्राइब्स टी आर एन ए फाइव एस आर आर एन एंड एस आर एन ए बिल्कुल ये सही है थ्री का ही काम है तो आंसर अपना क्या हो जाएगा यही हो जाएगा ठीक है बाद में एक और देखते ट्रांसक्राइब प्री करसर ऑफ एम ने लिखा था ये पर्टिकुलरली सेकंड का काम है सब एनसीईआरटी में लिखा हुआ है डायरेक्ट आंसर अपना बन जाता है अगर अपन ढंग से एनसीईआरटी को पढ़ लेते क्या हो जाएगा नेक्स्ट क्वेश्चन भाई वन फोर्टी सिक्स विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इन करेक्ट इन करेक्ट पूछा है अपने से बोथ एडीपी एंड एच प्लस एच प्लस आर ड्यूरिंग नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन सही बात है स्ट्रोमल एमएलए हैव एस वन ओनली एंड लैक एनएडीपी एडीपी रिडक्टेज सही बात है है बहुत सही बात है पीएस वन एंड पी टू साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन इन्वॉल्व बोथ पी वन एंड पी टू क्या साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन में दोनों होता है क्या नहीं साइक्लिक की बात चल रही है भाई याद करिए नॉन साइक्लिक नहीं है जहां पे दो की जरूरत होती है पीएस टू भी पीएस वन भी यहां पे केवल सिंगल ही मिलता है और इसलिए यही हो जाएगा अपना इनकरेक्ट स्टेटमेंट ठीक है आगे बढ़ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है भाई 147 फोर्टी सेवन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट करेक्ट पूछा है फ्यूजन ऑफ टू सेल्स इज कॉल्ड कैरियोगेमी सेल्स का करते हैं या न्यूक्लियस का न्यूक्लियस का होता है तो गलत स्टेटमेंट है फ्यूजन ऑफ प्रोटोप्लाज्म बिटवीन टू मोटाइल ऑन नॉन मोटाइल गैमीट्स इज कॉल्ड प्लाज्मोगेमी तो यहां पर अपन कह सकते हैं कि हमने प्रोटोप्लाज्म की बात की है तो प्लाज्मोगेमी बोलेंगे इसे ठीक है अभी तक करेक्ट है ऑर्गेनिज्म दैट डिपेंड ऑन लिविंग प्लांट्स आर कॉल्ड सेप्रोफाइट ठीक है लिविंग प्लांट्स पे डिपेंड करते हैं तो सेप्रोफाइट बोलते हैं क्या डेड एंड डीके पे करते हैं तब बोलते हैं सम ऑफ द ऑर्गेनिजम्स कैन फिक्स एटमोसफे नाइट्रोजन स्पेशलाइज सेल्स कॉल शीट सेल्स क्या शीट सेल्स बोलेंगे उनको अपन नहीं हेट्रोसिस्ट बात होती है ठीक है तो अब अपन क्या कहेंगे भाई इसको सेकेंड ऑप्शन अपना करेक्ट है सेकेंड ऑप्शन अपना करेक्ट है आगे बढ़ जाते हैं नेक्स्ट क्या होगा प्रोटीन अगेन मैच करना है अपने को प्रोटीन क्या है यहां पे अगर अपन बात करें तो देखिए पेप्टाइड बॉन्ड्स अपन कह सकते हैं चारों में से अगर बात करें तो प्रोटीन में क्या आएगा पेप्टाइड बॉन्ड्स आएंगे क्या नहीं अभी नहीं बन रहा है आगे और देखना पड़ेगा अनसेचुरेटेड फैटी एसिड्स अनसेचुरेटेड फैटी एसिड्स क्या है भाई तो यहां अपन देखेंगे कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन बॉन्ड्स की बात कर सकते हैं यहां पे ठीक है फिर बात क्या करेंगे न्यूक्लिक एसिड न्यूक्लिक एसिड फॉस्टफूड बॉन्ड की बात कर लेंगे यहां पे फॉस्टफूड बॉन्ड हो जाएगा जी पॉलीसेकेराइड ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड्स की बात कर लेंगे ठीक है क्या बन जाएगा इसमें अपने का फोर वन टू थ्री फोर वन टू थ्री ठीक है फोर वन टू थ्री हो रहा है फोर वन टू थ्री हो रहा है ठीक है बन रहा है बिल्कुल बन रहा है ठीक है तो यह आंसर अपना बन जाता है नेक्स्ट देख लेते हैं अब अपन नेक्स्ट क्वेश्चन चेक कर लेते हैं भाई क्या है डीएनए फिंगरप्रिंटिंग प्रिंटिंग इन्वॉल्व आइडेंटिफाइंग डिफरेंसिस इन सम स्पेसिफिक रीजन इन डीएनए सीक्वेंस कॉल्ड एस अब मुझे पता है आप दो जगह कंफ्यूज हुए सैटेलाइट डीएनए या रेपिटेटिव डीएनए तो भाई सैटेलाइट डीएनए की अपन बात करते हैं जब पीक्स की बात करते हैं कि एक मेजर पीक बनेगा एक माइनर पीक बनेगा ठीक है ये वहां पर लिखा हुआ है बल्क जीनोमिक डीएनए वहां पर सैटेलाइट डीएनए लिखा है जबकि स्टार्टिंग लाइन ही यही बताई हुई है डीएनए फिंगरप्रिंटिंग में रेपिटेटिव डीएनए डायरेक्ट आंसर है डायरेक्ट इसमें कुछ भी नहीं है कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं थी अगर आपने ढंग से पढ़ा होता डायरेक्ट आंसर है अब जाकर के अब आप देखेंगे एनसीआर को डायरेक्ट लाइन में लिखा हुआ है ये ये नहीं सीक्वेंसेस कहलाती हैं ठीक है लास्ट क्वेश्चन क्या है भाई अपना लास्ट क्वेश्चन बॉटनी का कॉलम वन और कॉलम टू को मैच करना है नाइट्रोकोकस इनमें से नाइट्रोकोकस क्या करता है एग्जाम्पल दिए हैं और पूछा है उनका रोल क्या है ठीक अच्छा है अच्छा क्वेश्चन है नाइट्रोकोकस क्या करता है भाई तो अपन कहेंगे कन्वर्जन करेगा अमोनिया का नाइट्राइट के अंदर ठीक है नाइट्राइट के अंदर ये बोल सकते हैं अपन नाइट्रोकोकस नाइट्राइट में कन्वर्ट करेगा ऐसे ही राइजोबियम क्या करेगा भाई इनमें से एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन को अमोनिया में कन्वर्ट करेगा एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन को अमोनिया में कन्वर्ट करेगा थायोबैसिलस क्या करेगा भाई डी के लिए डायरेक्टली अपने को लिखा हुआ है तो अपने को याद ही रखना होता है थायोबैसिलस नाइट्रोबैक्टर अपने को क्या याद रखना है कन्वर्जन ऑफ नाइट्राइट टू नाइट्रेट ये क्या बन गया अपने पास में टू फोर वन थ्री टू फोर वन थ्री टू फोर वन थ्री पहला ही ऑप्शन है देख लीजिए स्टार्टिंग में ही अपना टू से ही बन जाता था आंसर तो मैंने जो बोला वो बात आपने समझी होगी कि मैच द फॉलोइंग में क्या होता है डायरेक्ट डायरेक्ट मिल जाता है पहले ही ऑप्शन से कई बार फर्स्ट मैचिंग से ही अपने को मिल जाती है इसलिए हमेशा ध्यान रखें और उसका मोस्ट ऑफ द टाइम मैंने देखा है आंसर पहला ही होता है ये भी एक ट्रिक है लेकिन ये कंप्लीट ट्रिक जरूरी नहीं है क्योंकि टू थ्री फोर भी हो सकता है ज्यादातर टाइम ऐसा होता है लेकिन अपन ने दूसरी चीज क्या बोली पहले ही बार में अधिकतर टाइम बन जाता है आंसर तो इसके साथ बॉटनी अपन अपन ने कंप्लीट डिस्कस कर ली है फाइनल एनालिसिस ये कह सकते हैं कि एक अच्छा पेपर जिसमें स्टार्टिंग थर्टी फाइव क्वेश्चन मैं ज्यादा ईजी वाले टाइप के बोलूंगा मतलब थे लास्ट के पंद्रह मिक्सिंग थी लास्ट ईयर से कंपेरिजन अगर मैं कर दू ट्वेंटी से तो उससे थोड़ा अच्छा लेवल था थोड़ा अच्छा ये कह सकता हूं मैं ये फाइनल मेरा स्टेटमेंट है ओके तो इसी के साथ बायोलॉजी हमने कंप्लीट कर लिया होपफुली आपने पूरा देखा होगा और समझा होगा सभी चीजों को थैंक यू